Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 8th history, and the chapter's name is How, When and Where. So first of all, if you want to study all the chapters of class 8th history, then you can click on the I button that you will find the playlist. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, How, When and Where. तो आप चैप्टर के नाम से ही जान सकते हो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ मतलब कैसे, when मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ. बट हाउ, वेन एंड वेयर अबाउट वॉट. हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में कोई भी जो चीज़ है वो कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, क्या क्या चीज़ें हमें हिस्ट्री के बारे में ये बताती हैं और कैसे बताती हैं कि हिस्ट्री में कोई भी जो इंसिडेंट है वो कब, कहाँ और कैसे हुआ. तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो डेट्स होती हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं. अब अगर होती हैं तो क्यों होती हैं और नहीं होती तो क्यों नहीं होती. तो ये सब चीज़ें हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे. सो देयर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. तो एक टाइम था जब जो हिस्टोरियंस रहते थे, इतिहासकार रहते थे, तो उनको डेट से एक अलग ही तरीके का लगाव था, अलग ही तरीके का प्रेम था. मतलब कि वो हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ डेट से ही समझते थे. मतलब कि उनके लिए हिस्ट्री मतलब क्या होता था, डेट. और नॉर्मली क्या रहता था कि अलग अलग हिस्टोरियंस में डेट्स को लेकर बड़े बड़े डिबेट होते रहते थे कि मतलब कि कोई इवेंट किस डेट को हुआ, किस ईयर में हुआ, उसको लेकर हिस्टोरियंस में एक तरीके से डिबेट छिड़ा रहता था. एक हिस्टोरियन कहता था कि ये इवेंट इस साल में हुआ, तो दूसरा कहता है नहीं ये इसमें नहीं दूसरे साल में हुआ. तो इस तरीके से उनके बीच में डिबेट्स चलते रहते थे. तो डिबेट्स कैसे, ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट. मतलब कि एक जो इतिहासकार है वो कहता है कि इस साल में इस रूलर को गद्दी पर बैठाया गया था, बट दूसरा जो हिस्टोरियन है वो कहता है नहीं, इस साल में राजा को गद्दी पर नहीं बैठाया गया था, किसी और में बैठाया गया था. तो इस तरीके से उनमें डिबेट्स चलते रहते हैं. इन अ कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स. तो पहले क्या था कि हिस्ट्री का मतलब ही क्या था, डेट्स बन चुके थे. कि अगर आप कहते हो मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा लगता था कि आप सिर्फ और सिर्फ डेट्स याद करने जा रहे हो. यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. तो आपने कुछ लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि वो कहते हैं कि भाई मुझे हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग लगती है. क्यों? क्योंकि इसमें बस डेट ही डेट याद करनी पड़ती है, बस डेट्स को रट्टा लगाना पड़ता है. अब आप बताओ क्या ये सच है? और अगर आपको नहीं पता तो हम इस सेक्शन में यही पढ़ेंगे कि क्या ये जो कॉन्सेप्शन है कि हिस्ट्री का मतलब डेट्स होता है, ये सच में ट्रू है, क्या ये हकीकत है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है कि हिस्ट्री मतलब डेट्स नहीं होता. ये चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अगर ओवर टाइम. तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो हमारे जीवन में हम जो चीज़ें देखते हैं, हमारा जो प्रेजेंट जैसा है वो ऐसा क्यों है, क्या चेंजेस हुए ओवर टाइम जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट जैसा है वो वैसा है. तो मतलब हम अपने प्रेजेंट को समझने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. तो हिस्ट्री, आप कहते हो ना कि भाई हिस्ट्री क्यों पढ़े, उसका क्या काम है? मैं क्यों पढ़ूं कि ताजमहल किसने बनाया, मैं क्यों पढ़ूं कि कब कौन सा जो नेशनल मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ, मैं क्यों ये सब करूं? तो रीजन इज दैट कि आपको अपना अगर प्रेजेंट समझना है ना, तो आपको पास्ट समझना पड़ेगा. तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि पास्ट में चीज़ें कैसी थीं और अब वो किस तरीके से चेंज हो गई हैं. एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम. और जब भी हम अपने पास्ट को प्रेजेंट के साथ, आज के साथ कंपेयर करते हैं, हम टाइम की बात करते हैं, हम टाइम को रेफर करते हैं. ठीक है, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. हम बिफोर एंड आफ्टर की बात करते हैं कि आज से पहले ये हुआ था, इस पर्टिकुलर टाइम में ये हुआ था, इसके इतने साल बाद कुछ और हुआ, इस तरीके से हम बात करते हैं. जैसे आप स्टोरी भी सुनाते हो कि कई साल पहले ऐसा हुआ था. आप अपने घर में कोई इवेंट भी डिस्कस करते हो तो आप कहते हो कि यार पिछले साल ना ऐसा हुआ था. आपने अगर अपनी गाड़ी ली है तो आप टाइम को रेफर करते हो ना कि भाई ये 2 साल पहले ना हमने गाड़ी ली थी, हमने कार खरीदी थी. तो हेयर यू आर रेफरिंग टू टाइम. और किस चीज़ के बारे में आप रेफर कर रहे हो? जो चीज़ पास्ट में हुई थी. गाड़ी आपने पास्ट में खरीदी थी, कुछ टाइम पहले खरीदी थी, तो वो अब आपका पास्ट बन गया. जो खरीदना है वो इवेंट जो खरीदना है वो एक पास्ट बन गया. बट अगर आपको प्रेजेंट की बात करनी कि आपकी जो गाड़ी है अब वो कितने साल पुरानी है, तो आपको 2 साल पीछे की बात बतानी पड़ेगी कि भाई 2 साल पहले मैंने ये गाड़ी ली थी तो अभी 2 साल पुरानी हो गई है. तो जब भी आपको अपने प्रेजेंट के बारे में बात करनी होती है, जब भी आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करते हो, तो आप टाइम को रेफर करते हो.
अब जब भी हम अपने लाइफ में चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं तो हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो ऐसी क्यों हैं। हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जैसी चीज़ें आज हैं ये हमेशा से अनंत काल से ऐसी ही चलती आ रही। हम ज़्यादा इस चीज़ पर गौर करते ही नहीं हैं। अब बताओ, आप लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या जब से इंसान ने जन्म लिया है तब से लैपटॉप फ़ोन वगैरह चलते आ रहे हैं? आपके घर में पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, तो क्या हमेशा से जब से इंसान ने जन्म लिया है तब से बिजली है? तो हम इन चीज़ों को फोकस नहीं करते, हम इन चीज़ों को क्वेश्चन ही नहीं करते। बट ये चीज़ें जो हैं एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में कि आज अगर हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ रही होगी, किसने इस चीज़ को जो है इन्वेंट किया होगा, किसने बिजली बनाई, किसने पंखा बनाया, किसने इंटरनेट बनाया, किसने जो है लैपटॉप्स बनाए, कंप्यूटर्स बनाए, और किस लिए बनाए, किस तरीके से बनाए। तो ये चीज़ों की इंपॉर्टेंस है ना। अगर वो ये काम नहीं करता तो आज आप इन सभी सुविधाओं को एंजॉय नहीं कर रहे हो। अब हो सकता है आपके दिमाग में ना आ रहा हो ये सारे क्वेश्चंस, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी हमारे में भी आ जाता है। हाँ, हम 2400 घंटे इस तरीके के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट कभी कभी हमारे दिमाग में भी इस तरीके के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हम बहुत ही क्यूरियस होते हैं और इस तरीके के हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब जैसे कि आपके आसपास कोई टी स्टॉल होगा तो रोड साइड टी स्टॉल में कोई चाय पी रहा है और उसको देख के आपके दिमाग में ये सवाल उठे कि व्हेन दैट पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, इंसानों ने कब चाय या फिर कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया? क्या जब से इंसान धरती पर बने हैं तब से चाय और कॉफ़ी चलती आ रही है? और इसी तरीके से अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप विंडो से बाहर देख कर इंजॉय कर रहे हो पूरे सीन को और अचानक से आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, When were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? ये जो railways हैं ये कब built हुई थी, कब बनी थी, और जब railways नहीं बनी थी उससे पहले लोग किस तरीके से जो लंबे लंबे सफर हैं उन्हें तय करते थे, किस तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे लोग travel करते थे बिना rails के? तो इस तरीके के सवाल हो सकता है आपके दिमाग में आ रहे हो। इसी तरीके से अगर आपके पेरेंट्स newspaper वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब newspapers प्रिंट होना स्टार्ट नहीं हुए थे तब लोगों को अपने आसपास की जानकारी के बारे में कैसे पता चलता था कि उनके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में वो किस तरीके से जान पाते थे? तो आज तो आपके पास न्यूज़पेपर है, कोई भी जो घटना घटती है आपके देश में, आपकी दुनिया में, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ें हुई हैं। आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, यू गेट टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बट जब ये चीज़ें नहीं थी तब कैसे लोगों को पता चलता था? तो इस तरीके के ये जो क्यूरियस क्वेश्चंस हैं, हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, ये हमारे लाइफ में कभी कभी आते हैं और इन ही क्वेश्चंस की वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है हिस्ट्री की। हम अपने प्रेजेंट को समझने के लिए ही तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि आज अगर रेल्स हैं तो वो क्यों हैं, किस तरीके से रेल्स बनी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनका आंसर जो है हम हिस्ट्री में, पास्ट में झांक कर जान पाते हैं। सो ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस टू द नोशन ऑफ टाइम। और जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं तब हम टाइम को ही रेफर करते हैं। तो अगर आपको जानना है कि जो रेलवेज हैं वो दुनिया में कब स्टार्ट हुई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम को रेफर करना पड़ेगा कि लगभग 1804 में, लगभग आज से 200 साल पहले जो रेलवेज हैं वो स्टार्ट हुई थी, कि जो दुनिया का सबसे पहला जो स्टीम पावर्ड इंजन है वो चला था। ये आपको टाइम को रेफर करना पड़ता है कि आज से 200 साल पहले, आज से 100 साल पहले इस टाइम में, इस ईयर में कोई काम जो है वो हुआ था। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। तो हर बार क्या है, आपको पर्टिकुलर एकदम प्रिसाइज डेट और टाइम और ईयर जो है वो बताने की ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसा हर जगह नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप किसी पर्टिकुलर डेट को फिक्स कर पाओ, ठीक है। समटाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू द प्रोसेसेस दैट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके साथ आप डेट्स को एसोसिएट नहीं कर सकते, कोई चेंज हुआ है तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, इस चीज़ के साथ आप एसोसिएट नहीं कर सकते किसी फिक्स डेट को, ठीक है। जैसे इस चीज को आप और अच्छे से समझोगे इस एग्जांपल से, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन फाइन डे, कि ऐसा तो हुआ नहीं कि इंडिया में सभी लोगों ने एक ही दिन मिलकर चाय पीना स्टार्ट किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में लोगों ने चाय पीना कब स्टार्ट किया तो आप किसी पर्टिकुलर डेट को नहीं बता सकते। हाँ, आप एक स्पैन ऑफ टाइम जरूर बता सकते हो कि लगभग इतने साल से लेके इतने साल के बीच में लोगों ने पीना स्टार्ट किया, बट कैन यू फिक्स अ प्रिसाइज डेट कि इस तारीख को सब लोगों ने पीना स्टार्ट किया? तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक चेंज था, ये एक प्रोसेस था जो कि धीरे 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 करके डेवलप हुआ। आप कोई पर्टिकुलर डेट जो है इस चीज़ के साथ नहीं फिक्स कर सकते। अब चाय पीना कैसे शुरू हुआ होगा इंडिया में, कोई जो लोग हैं
बाहर गए होंगे, कोई पर्सन बाहर गया जैसे चाइना वगैरह में गया, वहां से वो चाय पी के आया, उसे वो चीज बहुत अच्छी लगी और वो चाय जो है अपने देश में इंडिया में ले आया, फिर उसने उस चाय को अपने फैमिली मेंबर्स को चखाया, फैमिली मेंबर्स को भी वो चीज बहुत अच्छी लगी, फिर फैमिली मेंबर्स ने अपने पड़ोसियों को बताया कि भाई देखो हमारा जो फैमिली मेंबर है वो बाहर गया था, वहां से बड़ी ही अच्छी सी ड्रिंक लाया है, इसे पी के देखो, जो पड़ोसी थे उन्हें भी अच्छा लगा, फिर पड़ोसियों ने अपने घर वालों को बताया, फिर इस तरीके से धीरे 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 करके जो चाय पीने का चलन है वो पूरे इंडिया में डेवलप हो। बट इस चीज के साथ, इस पूरे प्रोसेस के साथ हम कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है? तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके साथ हम प्रिसाइज डेट फिक्स कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम इस तरीके से डेट फिक्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। तो जो कोई प्रोसेस होते हैं उनके साथ हम कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं कर पाते। इसी तरीके से जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हम पे कब रूल करना स्टार्ट किया, तो इस चीज का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है कि आज से ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो गया, ये नहीं है। ये भी एक पूरा प्रोसेस था कि धीरे 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 करके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करना, उसकी जो पॉलिटिकल पावर है उस पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और इसी तरीके से जो नेशनल मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुई, इसके साथ भी हम कोई एक फिक्स्ड डेट जो है वो नहीं एसोसिएट कर सकते कि भाई इस दिन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये एक इमोशन था जो कि धीरे 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 करके लोगों के बीच में डेवलप हुआ और फिर वो एक बहुत ही बड़ा रूप ले गया। तो एक पर्टिकुलर डेट कुछ चीजों के साथ फिक्स हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो सोसाइटी में, इकोनॉमी में जो चेंजेस आते हैं ये ओवर अ पीरियड आते हैं, कुछ समय में आते हैं, और इन चीजों के साथ हम क्या करते हैं, स्पैन जरूर बता सकते हैं कि ये किसी स्ट्रेच ऑफ टाइम में हुआ है, ये इस स्पैन ऑफ टाइम में हुआ है। हम ये स्पैन बता सकते हैं कि लगभग इस साल से लेके इस साल के बीच में जो है नेशनल मूवमेंट की जो फीलिंग है वो डेवलप हुई। तो मतलब इस तरीके से हम स्पैन बता सकते हैं, बट हम ये नहीं बता सकते कि जी इस पर्टिकुलर डेट में या फिर इस ईयर में जो ये पर्टिकुलर चीज है वो स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है? एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। तो हम इन चीजों के साथ, ऐसे प्रोसेसेस के साथ, ऐसे चेंजेस के साथ हम एक अप्रोक्सीमेट पीरियड जरूर बता सकते हैं जिनके ऊपर, जिन पीरियड में ये चेंजेस अकर हुए। अब हमने ये पढ़ा इस पैराग्राफ में कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हम कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं कर सकते, बट फिर भी हम एसोसिएट क्यों करते हैं हिस्ट्री को इतनी सारी डेट्स के साथ, हम हिस्ट्री में फिर भी इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं डेट्स को? तो इसका भी एक रीजन है। द रीजन इज कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो हिस्टोरियंस रहते थे उनके लिए हिस्ट्री का मतलब क्या रहता था कि कब कोई बैटल हुई है, कब कोई बिग इवेंट हुआ है, इस चीज का रिकॉर्ड करना, इसकी डेट का रिकॉर्ड करना। तो मैं ये राजा रजवाड़ों वाले टाइम की बात कर रही हूँ कि जब राजा वगैरह रहते थे तो उनके अपने हिस्टोरियंस रहते थे, वो क्या करते थे कि वो जो राजा ने जिस डेट को, जो भी जंग जीती है, जिस डेट को राजा ने गद्दी संभाली, इन सभी चीजों का वो रिकॉर्ड रखता था। तो उस टाइम पे हिस्ट्री का मतलब क्या होता था, डेट्स रहती थी, बड़े बड़े इवेंट्स को रिकॉर्ड करना कि किस डेट में ये इवेंट्स हुए। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। तो उस टाइम पे हिस्टोरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती थी कि वो रूलर्स वगैरह की पॉलिसीज के बारे में, रूलर्स की लाइफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, डेट्स हैं, उनका वो रिकॉर्ड रखे। तो हिस्टोरियंस जो है वो क्या लिखते थे, जैसे कि जो राजा है किस दिन, किस ईयर में उसको क्राउन किया गया, किस ईयर में वो गद्दी पे बैठा, उसने अपना राजभार संभाला, किस ईयर में उसने शादी की, किस ईयर में उसको जो है बच्चा जन्म लिया, किस ईयर में उसने कोई पर्टिकुलर वॉर जो है वो लड़ी थी, किस ईयर में वो मरा, किस ईयर में उसके जो नेक्स्ट रूलर है उसने गद्दी संभाली। तो इस तरीके से, इस तरीके के बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं उनका हिस्टोरियंस रिकॉर्ड रखते थे, और इन तरीके के कुछ इवेंट्स के साथ डेट्स जो है वो स्पेसिफाई की जाती है। और अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इनको भी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना भाई? किसी राजा ने जन्म लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि वो ओवर अ स्पैन ऑफ पीरियड में जन्म लेगा, ऐसा तो है नहीं, वो तो किसी एक पर्टिकुलर डेट को ही जन्म लेगा ना। उसका बच्चा अगर कोई जन्म लेगा तो वो भी किसी स्पैन ऑफ पीरियड में, कि भाई लगभग 10, इतने से इतने के बीच में इसके बच्चे ने जन्म लिया, ऐसा तो नहीं है भाई किसी एक डेट को होगा और वो डेट हम पता लगा सकते। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि धीरे 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 करके चेंज हुआ, है ना? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम डेट एसोसिएट कर सकते हैं और वो उनके भी अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है। तो इस तरीके जो इवेंट्स हैं राजा के बारे में, उनके जो इम्पोर्टेंट बिग इवेंट्स रहते थे उनके बारे में स्पेसिफिक डेट्स जो हैं वो डिटरमाइन की जा सकती हैं। बट कभी कभी क्या रहता है कि किस डेट को क्या काम हुआ, उस डेट को लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट रहता है कि एक हिस्टोरियन कहता है कि इस डेट को राजा जो है वो गद्दी पे बैठा था, दूसरा कहता है नहीं, इस डेट को नहीं, इस डेट को बैठा था। तो वो चीजों के बीच में, मतलब डेट्स को लेकर थोड़ी बहुत डिबेट जो है वो चलता रहता है हिस्टोरियंस के बीच में, ठीक है?
अब देखो, आप पिछले 2 साल से हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो। अब आप ये बताओ कि क्या आपने पूरी हिस्ट्री में जो 2 साल से पढ़ी, आपने आपने क्लास 7 पढ़ी, आपने क्लास 6 पढ़ी, क्या उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डेट्स पढ़ी कि इस डेट को राजा ने जन्म लिया, इस डेट को राजा ने लड़ाई लड़ी, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को हुआ, क्या आपने सिर्फ डेट्स पढ़ी? नो, यू रेड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आपने सिर्फ डेट्स के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो अब क्या है, अब हिस्टोरियंस जो हैं सिर्फ डेट्स के बारे में ही नहीं करते, अब वो अलग अलग जो अलग अलग इश्यूज हैं उनके बारे में भी लिखते हैं। मतलब पहले की हिस्टोरियंस के लिए सिर्फ डेट्स, बड़े बड़े इवेंट्स कब हुए वो इम्पॉर्टेंट था, बट अब के जो हिस्टोरियंस हैं वो और चीज़ों को भी इम्पॉर्टेंस देना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि आपने अपनी क्लास 7th और क्लास 6th की हिस्ट्री में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कि जो लोग थे पुराने टाइम में वो किस तरीके से अपनी जीवन चलाते थे। आपने हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, आपने जाना कि किस तरीके से महाजनपद थी, किंगडम्स थे, ये सब बने। तो आपने धीरे धीरे करके इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, आपने सिर्फ और सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं पढ़ा। तो अब जो हिस्टोरियंस हैं, नाउ दे राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज, दूसरे इशूज के बारे में भी वो लिखते हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। अब वो ये देखते हैं, हिस्टोरियंस इस चीज पे भी गौर करते हैं कि पुराने टाइम में जो लोग थे वो किस तरीके से अपना जीवन चलाते थे, किस तरीके से वो खाना बनाते थे, किस तरीके से खाना खाते थे, किस तरीके से जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं डेवलप हुई, किस तरीके से मार्केट से मर्ज हुए, किस तरीके से किंगडम्स, जनपद, महाजनपद, सिटीज, ये सब डेवलप हुई, किस तरीके से एक आइडिया पूरे देश में फैल गया, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर जगह का कल्चर, सोसाइटी वहां की चेंज हुई। तो अब जो हिस्टोरियंस हैं वो इन सभी मुद्दों पर गौर करना शुरू कर चुके हैं। और इन चीजों में आप नोटिस करोगे कि इनके साथ हम कोई एक पर्टिकुलर डेट एसोसिएट नहीं कर सकते। ये सभी जो आपने इस पैराग्राफ में मुद्दे पढ़े कि भाई जो लोग हैं वो किस तरीके से खाना खाते थे, किस तरीके से सिटीज डेवलप हुई, तो इनके साथ हम कुछ पर्टिकुलर डेट्स फिक्स नहीं कर सकते, है ना। तो अब मैं आपको पूरा समरी बताती हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसका मेन जो जिस्ट है वो क्या है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट हिस्ट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेट्स नहीं है। डेट्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है उसका एक पार्ट है डेट्स, ठीक है। मतलब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको डेट एसोसिएट करनी पड़ती है, बट बहुत सारे ऐसे भी इवेंट हैं जिनके साथ आप डेट एसोसिएट नहीं कर सकते। और ये दोनों ही चीजें मिलके क्या बनती हैं, हिस्ट्री। ऐसे इवेंट्स जिनके साथ डेट एसोसिएट कर सकते हैं, और ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे चेंजेस जिनके साथ आप डेट्स नहीं एसोसिएट कर सकते, बट उनका आप स्पैन बता सकते हो कि ये इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में लगभग हुए हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही चीजें, दोनों ही जो इवेंट्स हैं, डेट्स वाले भी और ऐसे भी जिनके साथ आप डेट नहीं एसोसिएट कर सकते, ये दोनों चीजें मिलकर हिस्ट्री बनाती हैं। सिर्फ डेट्स का मतलब हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ ऐसे इवेंट्स जिनको आप डेट्स एसोसिएट नहीं कर सकते इनका मतलब हिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये दोनों मिलकर हिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके साथ आपको डेट्स एसोसिएट करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका जन्म कब हुआ, आपने बर्थ कब लिया। तो आप बोलोगे कि मैंने लगभग 2002, 2003 या फिर 2004, वट एवर योर एज इज और वट एवर योर डेट ऑफ बर्थ इज, आप उसके हिसाब से अपना जो डेट है वो बता दोगे कि मैंने इस साल में जन्म लिया था। बट अगर आपसे पूछे कि आपकी हाइट कब बढ़ी, क्या आप बता सकते हो कि भाई मेरी डेट जो है, मेरी जो हाइट है वो इस डेट को बढ़ी, आप नहीं बता सकते। दैट वाज अ प्रोसेस। आपकी हाइट जो है वो धीरे धीरे करके आपने जब से जन्म लिया है आगे आने वाले, मतलब जब तक आप 18 साल के होते हो, 20 साल के होते हो, 21 साल के होते हो, तब तक वो हाइट बढ़ेगी, ठीक है। मान लो कोई 20 साल का इंसान है, अब उससे पूछें कि आपकी हाइट जो है वो किस डेट को बढ़ी, तो उसके पास आंसर नहीं होगा। वो कहेगा कि जी जब से मैं बचपन से और अभी तक मेरी जो हाइट है वो बढ़ती आ रही है और अब नहीं बढ़ रही, ठीक है, अब मैं अपनी हाइट में कोई इंक्रीज नहीं देख रहा। तो इतने से इतने पीरियड के बीच में मेरी मतलब जब से जन्म लिया तब से लेके 18 या 20 साल की उम्र तक मेरी हाइट बढ़ी, तो उसने एक स्पैन ऑफ टाइम बता दिया, बट उसने एक फिक्स डेट नहीं बताई। बट दोनों ही चीजें, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी हाइट, दोनों ही चीजें आपसे रिलेटेड है ना और आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी तरीके से हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम डेट एसोसिएट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एसोसिएट नहीं कर सकते, और दोनों ही जो चीजें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। विच डेट्स? सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री में दो तरीके के इवेंट्स आपको देखने मिलेंगे। पहला ऐसा इवेंट जिसके साथ आप डेट्स को एसोसिएट कर सकते हो, जिसके साथ आप ये जान सकते हो कि वो जो इवेंट है किस पर्टिकुलर ईयर में, डेट में, मंथ में हुआ था। वही हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जिनके साथ आप कोई पर्टिकुलर डेट जो है वो फिक्स नहीं कर सकते, जिनके साथ कोई टाइम स्पैन एसोसिएट होता है कि ये जो चेंज है, ये जो प्रोसेस है वो पूरे टाइम स्पैन में हुआ है, किसी एक डेट को वो काम नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री है उसमें दो तरीके के इवेंट्स देखने मिलते हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए।
हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ डेट्स इंपॉर्टेंट है या फिर वो वाले इवेंट्स ही इंपॉर्टेंट है जिनके साथ डेट्स एसोसिएट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस सेक्शन में हम फोकस करेंगे सिर्फ उन इवेंट्स पे जिन पे हम जिनके साथ हम डेट्स को एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सबकी डेट्स हमें याद करनी जरूरी है? मतलब कि जिन इवेंट्स के साथ आप डेट को एसोसिएट कर सकते हो, क्या वो सभी इवेंट्स की डेट आपको याद करनी है, या सारी जो डेट्स हैं वो जरूरी हैं? तो इसी चीज पे हम गौर करेंगे। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट? तो हम क्या चीज, क्या ऐसा क्राइटेरिया लगाते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि ये जो डेट्स हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं? कैसे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं? द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। मतलब सभी जो डेट्स हैं वो अपने आप ही इम्पॉर्टेंट नहीं बनती, चाहे आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर लो, चाहे आप अपनी कोई भी पास्ट की कोई बात बता रहे हो या कोई पास्ट का इवेंट पढ़ रहे हो जिससे जिसके साथ कोई डेट एसोसिएट है, तो ये सभी जो डेट्स हैं वो अपने आप ही इम्पॉर्टेंट नहीं बन जाती। कोई तो कारण है जिसकी वजह से कुछ ही डेट्स जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। तो कोई डेट जो है वो तब इम्पॉर्टेंट बनेगी जब उससे रिलेटेड जो इवेंट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब आपके लिए जो जो इवेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं आप उस हिसाब से डेट को इम्पॉर्टेंस दोगे। अब ये बात है कि कौन से इवेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे, तो वो डिपेंड करता है आपके फोकस ऑफ स्टडी पे, कि आप किस चीज़ की जो है पढ़ाई कर रहे हो, किस पार्ट ऑफ हिस्ट्री में आप देखना चाहते हो। क्या आप ये जानना चाहते हो कि इंसानों ने मतलब इंडिया में चाय पीनी कब स्टार्ट की, तो उसके लिए एक अलग ही सेट ऑफ डेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। बट अगर आप इस चीज़ की स्टडी करना चाहते हो कि इंडिया में खेती कैसे स्टार्ट हुई या फिर पूरे वर्ल्ड में इंसानों ने खेती कैसे स्टार्ट की, तो इस स्टडी के लिए आपका फोकस जो है वो पूरे ही अलग तरीके की इवेंट्स पे शिफ्ट हो गया। और अगर जो इवेंट्स हैं वो आपके लिए अलग हो जाएंगे इम्पोर्टेंस, तो उनके साथ जो एसोसिएट डेट है वो भी आपके लिए अलग हो जाएगी। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो कि भाई इंडिया में कब से लोगों ने टी पीना स्टार्ट किया, तो उसके लिए आपको अलग जो सेट ऑफ इवेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होगी और उन इवेंट्स से एसोसिएटेड जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होंगी। वहीं अगर आपका फोकस ऑफ स्टडी जो है वो ये है कि कब लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया, कब फार्मिंग स्टार्ट किया, तो इससे रिलेटेड जो इवेंट हैं वो अलग होंगे, टी वाले से अलग इवेंट्स इससे इसके इम्पॉर्टेंट होंगे, और इन इवेंट्स से जो रिलेटेड डेट है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो जैसे ही आपका फोकस ऑफ स्टडी चेंज होता है वैसे ही आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो चेंज होते हैं और उनसे जुड़ी जो डेट है वो भी चेंज हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं पास्ट में, तो उस चीज से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं और उनकी डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट बनेंगी। तो जैसे ही आप जो नए इशू पर फोकस करोगे वैसे ही एक नया सेट ऑफ डेट्स जो है वो आपके लिए इमर्ज हो जाएगा एज सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको टी और जो फार्मिंग है इसके एग्जाम्पल से दे दिया। जैसे ही आपका फोकस चेंज होगा वैसे ही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सेट ऑफ डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। तो जब ब्रिटिश राज हमारे यहाँ चल रहा था तो उससे रिलेटेड जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी है उसके बारे में, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तो उसके बारे में जो हिस्टोरियंस ने लिखा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उन्होंने हर एक गवर्नर जनरल के बारे में लिखा है। तो उनकी हिस्ट्री में उन्होंने क्या लिखा है, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसी हिस्ट्रीज जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी हैं इंडिया से रिलेटेड, तो वो उन्होंने क्या लिखा है, उनकी जो हिस्ट्री है वो बिगिन होती है विद द फर्स्ट गवर्नर जनरल। मतलब कि जब फर्स्ट गवर्नर जनरल आए थे तो उनके रूल के साथ साथ जो इनकी हिस्ट्री है ब्रिटिश हिस्टोरियंस की वो स्टार्ट होती है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनके साथ ब्रिटिश हिस्टोरियंस की जो हिस्ट्री है इंडिया के बारे में वो शुरू होती है, और जो लास्ट विसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, तो उसके साथ जो है इनकी हिस्ट्री खत्म होती है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर, हेस्टिंग्स, वेल्सली, बेंटनेक, डेलहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, आर्विन। मतलब कि वो बता रहे हैं कि अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा है, मतलब कि इनके नाम दिए हुए हैं कि हर एक चैप्टर में आप अलग से इन गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ोगे।
पहला जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था, तो उसके बारे में एक पूरा चैप्टर होगा, उसने क्या क्या किया, उसका जन्म कब हुआ था, उसने इंडिया में आके क्या क्या चेंजेस किए, और इसी तरीके से हर एक गवर्नर जनरल के कामों के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में अलग अलग पूरे प्रॉपर चैप्टर्स हैं। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस। जब आप हिस्ट्री को देखते हो, उसको पढ़ना शुरू करते हो, तो ऐसा लगेगा मतलब ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखी थी, जब ब्रिटिश जो थे इंडिया पे रूल करते थे, तो उस बारे में जब उन्होंने हिस्ट्री लिखी आप और आप इसको पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मतलब ये कोई ऐसी चीज है जो चलती ही जा रही है, चलती जा रही है, मतलब एक गवर्नर के बाद दूसरे गवर्नर के बारे में, फिर तीसरे गवर्नर के बारे में, फिर चौथे गवर्नर के बारे में, इस तरीके से मतलब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब आप पाओगे कि इन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस के बारे में ही लिखा है, और इन हिस्ट्रीज में जितनी भी डेट्स थी वो सिर्फ और सिर्फ इन पर्सनैलिटी से ही रिलेटेड थी। मतलब कि ये जो गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस थे इंडिया में, इनके बारे में ही सभी डेट्स जो थी वो रिलेटेड थी, इनसे ही रिलेटेड थी, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या क्या पॉलिसीज लाई, इनके क्या अचीवमेंट्स थी, तो सिर्फ उससे रिलेटेड ही बातें लिखी हैं और उसी से रिलेटेड डेट्स लिखी हैं। इट वॉज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। और ये जो हिस्ट्री लिखी है इन लोगों ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, वो कुछ इस तरीके से लिखी है जैसे कि इन गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस के लाइफ के अलावा हमारे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट था ही नहीं। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद कुछ भी जो है वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन जनरल्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। अब आप बताओ कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे और ये जब एक के बाद एक गवर्नर्स आ रहे थे, क्या तब इंडिया में सिर्फ ये गवर्नर्स ही चल रहे थे? क्या इंडिया में और कुछ भी नहीं हो रहा था? इंडिया में आम लोग भी थे, इंडिया में इंडियंस थे जिनकी लाइफ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, जिनके साथ बहुत सारे अन्याय हो रहे थे, उनकी लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है। बट जो ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये जो हिस्ट्री लिखी इंडिया के बारे में, उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल्स के बारे में बताया। उन्होंने इंडियन जो लोग रह रहे थे, इंडियन के जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस पर्सन थे, जो पॉलिटिशियंस थे, मतलब ऐसा कुछ कोई जो चीज थी उसका कोई जिक्र नहीं किया। मतलब कि इन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उनके पर्सपेक्टिव में, उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी ब्रिटिश इंडिया में, वो बस ये गवर्नर जनरल्स और विसरॉयस ही थे। बट कैसा सच में है, तो उनके पर्सपेक्टिव से कोई और ही इवेंट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे। बट अगर हम आज बैठ के बोलें कि हमें ब्रिटिश इंडिया के बारे में जानना है, मतलब कि जो इंडिया पे जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, अगर उस टाइम के बारे में जानना है, तो क्या हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस के बारे में बताओ? नहीं, हम कहेंगे ठीक है, वो भी एक पार्ट है उस टाइम का, ठीक है, थोड़ा बहुत गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस के बारे में पढ़ लिया, बट उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे। हम इंडियंस के लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, उनपे क्या क्या जो है अन्याय होते थे, वो अपनी लाइफ को किस तरह जीते थे, किस तरीके से वो खाना खाते थे, किस तरीके से वो काम करते थे, इंडिया में क्या क्या प्रोफेशंस थे, क्या सिर्फ फार्मर्स थे, क्या उसके अलावा और कोई नहीं था, बिजनेसमैन थे तो कौन कौन बिजनेसमैन थे, किस तरीके के काम इंडिया में होते थे उस टाइम पे, किस तरह की खेती होती थी, ये सभी चीजें हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन उठाया, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? ये जो पीरियड था जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, क्या उस पीरियड के बारे में हम जो हिस्ट्री है उसे अलग तरीके से नहीं लिख सकते थे? मतलब कि सिर्फ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस पे फोकस करे बिना हम और भी तो चीजों पर फोकस कर सकते थे। जैसे मैंने अभी आपको इतना सारी चीजें बताई कि हम उन पे भी तो फोकस कर सकते थे। क्या ये जो ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी उसका फोकस थोड़ा सा और भी तो शिफ्ट हो सकता था ना, सिर्फ एक ही तरह के लोगों पे, सिर्फ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस पे फोकस ना करके बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में ये जो हिस्टोरियंस है वो लिख सकते थे, बट उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उनके लिए जो सेट ऑफ इवेंट्स थे वो अलग ही तरह के इंपॉर्टेंट थे। मतलब कि उनके लिए सिर्फ गवर्नर जनरल्स एंड विसरॉयस ही इंपॉर्टेंट थे, बाकी जो भी कुछ इंडिया में हो रहा था, इंडिया के लोग जो थे वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं या फिर हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, तो आपने देखा होगा कि किसी नॉर्मल स्टोरी को भी अलग अलग चैप्टर्स में बांटा जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर्स में क्यों बांटा जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि उन सभी चैप्टर्स को एक कोहेरेंस दी जा सके। कोहेरेंस मतलब स्पष्टता, एक तरीके से क्लैरिटी दी जा सके कि भाई कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ, एक कंसिस्टेंसी जो है आपको बताई जा सके। इसलिए उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग चैप्टर्स दिए जाते हैं ताकि आपको कहानी का हर जो हिस्सा है वो क्लियरली समझ आए कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये। तो हर एक इवेंट को एक अलग तरीके से चैप्टर्स दे दिए जाते हैं ताकि आप एक एक इवेंट को अच्छे से समझ सको और उसको कनेक्ट कर सको। और जब भी हम कोई भी स्टोरी बताते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी कहानी को बताने के लिए, है ना। जब भी आप कोई किस्सा अपने स्कूल का, अपने कुछ भी है, आप किसी चीज का अगर किस्सा अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, अपने
मम्मी पापा के साथ शेयर कर रहे हो, तो आप हर एक चीज जो है वो नहीं बताओगे, आप सिर्फ वो चीज बताओगे जो कि आपकी मेन बात को बताने के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ आज आपका जो स्कूल है वो कैसा गया, तो आप एक एक करके बताओगे कि मैं स्कूल पहुंचा, फिर हमने प्रेयर की, फिर वहां से मैं क्लास में गया, जो फर्स्ट पीरियड था उसमें हमें ये पढ़ाया गया, फिर मैंने आंसर दिए, मैम ने क्वेश्चन पूछे थे, फिर अगले पीरियड में मैम ने टेस्ट लिया, उसमें भी मैंने अच्छे से जो है स्कोर किया, अच्छे से सारे मार्क्स आए, उसके बाद आगे ये हुआ वो हुआ। आप अपने बारे में बताओगे कि फिर मैं वहां गया, फिर मैंने लंच हुआ, तो लंच से मैंने लंच में मैंने जो टिफिन है वो खाया और फिर फ्रेंड्स के साथ खेला। मतलब आप अपनी स्टोरी बताओगे, आप अपने फ्रेंड के बारे में नहीं बताओगे कि आपके फ्रेंड का दिन कैसा गया, कि मम्मी पता है आपकी मम्मी पूछ रही है कि बताओ आपका दिन कैसा गया, और आप अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हो, हाँ मम्मी वो आया था, फिर वो बैठ गया, फिर उसने ऐसा किया और आज उसको मार पड़ी, फिर उसने टेस्ट में भी अच्छा नहीं किया। तो मतलब आप ऐसे थोड़ी करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बताओगे, आप अपने फ्रेंड की जो दिन गया उसके बारे में नहीं बताओगे। आप अगर आपसे आपकी मम्मी पूछे कि आपके फ्रेंड का दिन कैसा गया, तब ना जाके आप अपने फ्रेंड के बारे में बताओगे। मतलब कि आप सिर्फ वही चीजें बताते हो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर स्टोरी बता रहे हो, किसी कोई हिस्ट्री बता रहे हो, पास्ट का कोई इवेंट बता रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही चीजें बताते हो जो कि आपके स्टोरी को बताने के लिए जरूरी है, आप कोई और मुद्दा नहीं पकड़ लेते, ठीक है। तो जब ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, जब उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की बात की, जब उन्होंने उस पीरियड की हिस्ट्री लिखी जिसमें इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नर जनरल्स पे फोकस किया। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो सिर्फ गवर्नर जनरल्स ही था, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो गवर्नर जनरल्स थी। तो उन्होंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरी हिस्ट्री है इस पीरियड की उसके बारे में लिखा। एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। तो इनकी हिस्ट्री में जो ब्रिटिशर्स ने लिखी हिस्ट्री, उसमें जो इंडियंस क्या करते थे उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। दे डू नॉट सिंपली फिट देयर, कि मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हिस्ट्री लिखी सिर्फ गवर्नर जनरल्स के पर्सपेक्टिव से कि हम इनके बारे में लिखेंगे। अब इनके बारे में लिखना अगर उनके दिमाग में था तो वो इंडियंस को बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करेंगे कि इंडियंस की लाइफ कैसी रही, वो तो सिर्फ ये चीज लिख रहे हैं कि गवर्नर जनरल्स की जो लाइफ थी, उनकी जो एक्टिविटीज थी वो कैसी थी। तो इनका जो पर्सपेक्टिव था वो सिर्फ गवर्नर जनरल्स था, रूलर्स थे कि किसने रूल किया, और जो इंडियंस थे उनकी लाइफ का बारे में लिखना इनका मोटिव नहीं था, और इसीलिए उन्होंने इंडियंस के बारे में नहीं लिखा। बट वट देन डू वी डू, अब अगर हम क्या करेंगे, हमसे बोला जाएगा कि भाई ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे राज किया था उस पीरियड के बारे में हिस्ट्री में लिखो, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो गवर्नर जनरल वाला नहीं रहेगा, हमारा जो मेन फोकस है वो गवर्नर जनरल्स पे नहीं रहेगा, हम तो इंडियंस के बारे में जानना चाहेंगे ना। तो हम सेम पीरियड की हिस्ट्री जो है वो अलग पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, हमारा फोकस जो है वो अलग इवेंट्स पे रहेगा। देखो यहाँ पे आपको इस जो पूरा ये सेक्शन था इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई कौन सी डेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये डिपेंड करता है कि आप इवेंट कौन सा ले रहे हो, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, और उसी के हिसाब से जो आपकी डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट बनती हैं। वो जो ब्रिटिशर हिस्टोरियंस थे उनके लिए गवर्नर जनरल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी, तो उन्होंने उनसे रिलेटेड डेट्स लिखी। बट अगर हम सेम पीरियड के बारे में लिखेंगे, पीरियड तो सेम है ना, कि इंडियंस पर जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उसी टाइम के गवर्नर जनरल्स के बारे में ब्रिटिशर्स ने लिखा, बट इसी टाइम के सेम पीरियड के हम लिखेंगे इंडियंस के बारे में, क्योंकि हमारा जो फोकस रहेगा वो पूरा का पूरा इंडियंस के ऊपर रहेगा। तो देखो आपसे हिस्ट्री जो है वो सेम चीज की पूछी जा रही है कि भाई जो इंडिया था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था, पीरियड सेम है बट जो फोकस है स्टडी का वो पूरा शिफ्ट हो जाता है, और जैसे ही फोकस शिफ्ट होता है अलग एक इवेंट से दूसरे इवेंट में, वैसे ही जो डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा तो उनके लिए सिर्फ गवर्नर जनरल से रिलेटेड डेट्स जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, बट अगर हम लिखेंगे तो हमारे लिए जो इंडियंस थे, इंडियंस से रिलेटेड जो डेट्स थी, जो नेशनल मूवमेंट थी और कब कब बड़े बड़े इवेंट्स हुए, कब किसने क्या किया, तो वो चीजें इंडियंस की लाइफ से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड इवेंट्स और डेट्स वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे वही फोकस करो कि हिस्ट्री का पीरियड सेम है बट हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी है उसके डिफरेंट होने की वजह से अलग सेट ऑफ डेट्स जो है वो निकल कर आएगा। तो देखो जब हमारा इंडियंस पे फोकस रहेगा तो हम अलग तरह की इवेंट्स और डेट्स के बारे में बात करेंगे, और जब ब्रिटिशर्स जो थे गवर्नर जनरल्स वगैरह थे जब उन पे फोकस रहेगा तो अलग तरीके के इवेंट्स और डेट्स निकल के आएंगे, ठीक है। और दोनों ही तरह की जो डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है बट डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो। जब आप इंडियंस के बारे में पढ़ोगे आपको ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है कि मतलब गवर्नर जनरल क्या कर रहा था, कौन आया था,
उसको आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आप हल्का सा कहीं पे लिख के स्किप कर दोगे कि ठीक है हाँ इस टाइम पे ये गवर्नर जनरल था बस, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाओगे कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, कब वो हुआ, मतलब आप ये सब तो नहीं लिखोगे ना, क्योंकि आपका फोकस गवर्नर जनरल नहीं है, आपका फोकस है इंडियन। वही अगर आपका फोकस ब्रिटिशर्स बन जाते हैं, मतलब गवर्नर जनरल्स बनाते हैं बन जाते हैं, तब आप पूरी चीजें सिर्फ इन्हीं के बारे में लिखोगे, तब आप इंडियंस के बारे में नहीं लिखोगे कि इंडियंस में कौन कौन से जो है फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या क्या वो लोग मूवमेंट चला रहे थे, क्या क्या वो लोग प्लान कर रहे थे इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो ये सभी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं कि हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको अब एकदम क्लियर है कि कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वही डेट्स इंपॉर्टेंट होंगी जिस इवेंट पे हम फोकस करेंगे, जो इवेंट फोकस कर रहे हैं वही इवेंट से रिलेटेड डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। हाउ डू वी पीरियडाइज। सो 1870 में जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, उसने क्या किया, उसने 3 वॉल्यूम जो वर्क बनाया, 3 वॉल्यूम मतलब एक तरीके से 3 बुक्स मान लीजिए, किसके ऊपर, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसने बेसिकली ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखी थी कि इंडिया पे जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे तब इंडिया में क्या सीन था, क्या जो हाल था इंडिया का उस टाइम के बारे में जेम्स मिल ने बताने की कोशिश की है 3 वॉल्यूम वर्क में। मतलब उसने एक तरीके से 3 जो है पार्ट्स बनाए इस चीज के कि अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इस तीनों को मिला के उसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है अपना जो वर्क है वो दिया। अब अपने इस वर्क में उसने क्या किया, उसने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में बांटा, पहला हिंदू मुस्लिम और फिर तीसरा है ब्रिटिश, ठीक है। उसने क्या कहा कि अगर हम इंडियन हिस्ट्री, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन होल इंडियन हिस्ट्री, की इंडिया की जब से भारत का एक तरीके से निर्माण हुआ है, भारत की जो पूरी हिस्ट्री है शुरू से लेके तब तक जब तक कि ब्रिटिश ने इस पे रूल किया तब तक की जो हिस्ट्री है उसको जेम्स मिल ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला हिंदू मुस्लिम और फिर दूसरा मुस्लिम हो गया, फिर तीसरा हो गया ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और बहुत सारे लोगों ने इस पीरियडाइजेशन को कि पहले ठीक है एक समय था जब इंडिया में ये क्या है, ये जो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स हैं ये क्या चीज है, ये इंडिया के रूलर्स हैं, मतलब कि जेम्स मिल ने इंडिया में रूल करने वाले लोगों के धर्म के मुताबिक इंडिया की हिस्ट्री को बांट दिया। तो उसने क्या कहा कि जो पहला सबसे पहले जो इंडिया था उसमें हिंदू जो राजा रजवाड़े थे वो यहाँ पे रूल करते थे, उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम राजा आए और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया, राज किया। तो मतलब यहाँ पे राज करने वाले लोगों के धर्म के हिसाब से जो जेम्स मिल है उसने इंडिया की, पूरे इंडिया की हिस्ट्री को बांट दिया। अब आप बताओ कि क्या ये जो पीरियडाइजेशन का सिस्टम था क्या ये आपको बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें आपको कोई थोड़ी सी अजीब सा नहीं लग रहा, थोड़ी गलती सी नहीं लग रही कि भाई ये क्या मतलब हुआ कि राजाओं के धर्म के हिसाब से जी आपने बोल दिया कि इंडिया की ये हिंदू वाली हिस्ट्री, मुस्लिम वाली हिस्ट्री, ब्रिटिश वाली हिस्ट्री। क्या इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि इंडिया के जो रूलर्स हैं उनका धर्म क्या है, ठीक है बताओ आप, नहीं है ना। मतलब कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, उस टाइम का आर्ट कैसा था, उस टाइम का कल्चर कैसा था, उस टाइम के लोग क्या कर रहे थे, क्या यही इंपॉर्टेंट है बस कि उस टाइम का जो राजा था वो हिंदू था या मुस्लिम था या ब्रिटिशर्स था, ऐसा नहीं है ना। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया बट फिर भी ये जो पीरियडाइजेशन का सिस्टम था ये बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। अब हमने देखा कि जेम्स मिल ने इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री जो है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया कि अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है तो आप इसको 3 भाग में पढ़ सकते हो, पहला हिंदू राजा वाले जब हिंदू राजा थे, दूसरा फिर एक मुस्लिम राजाओं का टाइम आया, फिर ब्रिटिशर्स का टाइम आया। तो इस तरीके से आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ सकते हो। बट ये डिवीजन जो है वो जरूरी क्यों है, क्यों इस तरीके से हम हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो हम हिस्ट्री को इसलिए पीरियड्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि हिस्ट्री पूरे टाइम सेम नहीं रही है। आपको भी पता है ना कि जब से भारत जो एक तरीके से स्थापित हुआ है तब से लेके जब तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया या फिर आज तक भी, क्या भारत में जो कुछ हुआ वो एकदम सिमिलर है, क्या जो आज से हजारों लाखों करोड़ों साल पहले भारत में हो रहा था क्या वही सेम चीज आज भी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो समय के साथ साथ चेंजेस आए हैं, समय के साथ भारत में काफी सारे चेंजेस आए और उन चीजों को, उन चेंजेस को मार्क करने के लिए ही हम क्या करते हैं, किसी भी पीरियड की जो हिस्ट्री है किसी भी जगह की उसको हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। वी डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में उस जगह में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या फीचर्स थे, क्या ऐसे सेंट्रल फीचर्स थे जो उस टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण थे उस जगह के लिए।
अब मान लो कोई इंसान है, मान लो 50 साल का कोई इंसान है, आपको उसके पास्ट के बारे में लिखना है, तो उसके जो भी पास्ट है उसके लिए हिस्ट्री हो गई। पास्ट मतलब क्या, हिस्ट्री। तो उस पर्सन की, 50 ईयर ओल्ड पर्सन की जो हिस्ट्री आपको लिखनी है मान लो, और आपको कहा जाए कि आप इसे पीरियडाइज करो, तो आप कैसे कर सकते हो? एक तरीका जो है आप एज के हिसाब से कर सकते हो, जब वो इन्फेंट था, जब वो टीनेजर था, फिर वो अडल्ट बन गया, एक तरीका तो वो भी है। यहाँ पे आप क्या फोकस कर रहे हो, जो मेन इसेंस है टाइम का वो क्या है कि उस टाइम पे जो वो इंसान था वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा है वो बड़ा हो गया, उसने चलना फिरना सीखा, है ना, थोड़ा बड़ा हो गया, वो टीनेजर बन गया, उसने काफी कुछ किया। उसके बाद वो और बड़ा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, अडल्ट हो गया, ठीक है। मतलब आपने एज के हिसाब से किया कि पहले वो 1 से 5 साल का था, फिर वो इतने साल का हुआ, फिर वो इतने साल का हुआ, आपने एज के बेसिस पे उसकी लाइफ को डिवाइड कर दिया 50 साल तक की लाइफ को। बट इसको हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 50 साल का आदमी है और उसका आपको लाइफ को पीरियडाइज करना है, उसके पास्ट के बारे में आपको बताना है और उसकी लाइफ को पीरियडाइज आपको करना है, तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना कि हम उसका इस तरीके से कर दें कि जब वो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो स्कूल पे रहेगा, कि इस पीरियड ऑफ टाइम में मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो स्कूल नहीं जाता था सबसे पहले, जब वो अगेन छोटा बच्चा था इस टाइम पे वो स्कूल नहीं जाता था, फिर उसके बाद वो स्कूल जाने लग गया, फिर स्कूल जाने के बाद वो कॉलेज गया, उसने कुछ साल जो है अपनी हायर स्टडीज की, फिर कॉलेज जाने के बाद जो है वो जॉब करने लग गया। तो इस तरीके से मैंने उसकी लाइफ को क्या किया, उसके स्कूल जाने के बेसिस पर, उसके काम करने के बेसिस पर पीरियडाइज कर दिया। तो यहाँ पे टाइम की मेन इसेंस क्या दिख रही है कि इस टाइम पे वो बंदा स्कूल नहीं जाता था, उसके बाद इस टाइम पे वो स्कूल जाने लग गया। तो हम पीरियडाइज क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टाइम में जो चीज हो रही है उसको मार्क किया जा सके, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सके, और जैसे ही उस चीज में कोई चेंज आए, जैसे ही वो बच्चा स्कूल जाने लगेगा, तो एक नए पीरियड का शुरुआत हो जाएगी, है ना। जैसे ही कोई बड़ा चेंज आएगा, जैसे जैसे चीजें चेंज होनी स्टार्ट होंगी, तो हम एक नए पीरियड की जो है उसको बना देंगे और एक नए पीरियड से हम उसको रेफर करेंगे, ठीक है। तो पीरियडाइज करने का मेन फोकस यही होता है कि ताकि उस टाइम पे होने वाले जो सेंट्रल फीचर्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनपे सबसे ज्यादा फोकस कर सकें। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज डीमार्केट द डिफरेंस बिटवीन द पीरियड्स, बिकम इंपॉर्टेंट। तो देखो मैंने आपको दो तरीके बताए, एक आप उसकी एज के हिसाब से कर सकते हो, दूसरा उसके काम के हिसाब से करते हो, कि वो जो पर्सन है वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, उस हिसाब से कर सकते हो। तो किसी भी हिस्ट्री को पीरियडाइज करने के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके लिए क्या क्राइटेरिया रख रहे हो, क्या टर्म्स हैं जिनके बेसिस पर आप पीरियोडाइज कर रहे हो। जैसे कि मैंने एक टर्म में क्या किया, एक तरीके से मैंने एज के बेसिस पे उसकी लाइफ को डिवाइड किया, दूसरे बेसिस पे मैंने उसके काम को, काम मान लो कि मैंने उसके काम को डिवाइड किया कि वो व्हाट ही इज डूइंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, तो मैंने उसके बेसिस पे किया। तो दोनों ही आप देखोगे, दोनों जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं, एक में अलग टर्म है, दूसरे में अलग टर्म है। तो दोनों के बेसिस पे मैंने अलग अलग तरीके से सेम ही पर्सन के सेम ही लाइफ को अलग अलग तरीके से पीरियडाइज किया। तो इसीलिए आप किसी भी हिस्ट्री को जब पीरियडाइज करते हो तो क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप किन टर्म्स पे उसको पीरियडाइज कर रहे हो, किस बेसिस पे आप पीरियडाइज कर रहे हो, किस बेसिस पे आप अलग अलग पीरियड्स में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। और इससे ये भी पता चलता है, आपके पीरियडाइजेशन के तरीके से ये पता चलता है कि आपका मेन आइडिया क्या है उस पास्ट के बारे में, मेन फोकस क्या है, आप किस चीज को जो है समझना चाहते हो उसकी लाइफ के बारे में, है ना। अगर मैंने वर्क के बेसिस पे डिवाइड किया तो मेरा मेन फोकस किस पे है, उसके लाइफ को जानने में कि उस टाइम पे उस बंदे ने क्या काम किया और नहीं किया। मतलब कि आप जिस बेसिस पे पीरियडाइज करते हो उससे ये पता चलता है कि आप बेसिकली उस पर्सन के या उस हिस्ट्री के बारे में क्या जानना चाहते हो, ठीक है। अब जैसे कि जो जेम्स मिल था, उसने क्या किया, उसने इंडिया की हिस्ट्री को उसके रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पे बांट दिया। तो उसका मेन फोकस ऑफ स्टडी क्या था कि उसके रूलर्स का रिलीजन क्या क्या रहा है। तो जो मेन फोकस आप जिस तरीके से पीरियडाइज करते हो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आप ये जो स्टडी कर रहे हो उसका मेन फोकस है क्या। तो जेम्स मिल का जो हिस्ट्री का वर्क था, इंडियन हिस्ट्री का वर्क था, उसका मेन फोकस किस पे था कि भाई जो यहाँ पे जो रूल करने वाले लोग रहे हैं उनका धर्म क्या है, और उसमें भी फिर उसने ब्रिटिशर्स जो है उसके बारे में पूरी डिटेल में हिस्ट्री दी। तो मिल जो है उसको क्या लगता था कि जो एशियन सोसाइटीज हैं वो यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनसे थोड़े नीचे स्तर पे आती हैं सिविलाइजेशन के मामले में, सभ्यता में। मतलब यूं कहें कि मिल को ये लगता था कि यूरोप के मुकाबले जो एशियन सोसाइटीज हैं वो कम सभ्य हैं, मतलब कि असभ्य हैं, रिलेटिवली अनसिविलाइज्ड हैं। यूरोप से अगर हम कंपेयर करें तो यूरोप वालों को वो सिविलाइज्ड समझता था और एशियन वालों को वो कम सिविलाइज्ड समझता था।
According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. तो उसके हिसाब से उसने जो इंडिया की हिस्ट्री बताई उसके हिसाब से यही है कि ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले यहाँ पे हिंदू एंड मुस्लिम जो राजा थे वो रूल करते थे। जो रिलीजियस इनटॉलरेंस है कि मतलब धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू देना, कास्ट टैबूज, इंडिया में जो कास्ट टैबू है, जाति प्रथा चल रही है, सुपरस्टिशंस जो प्रैक्टिसेस हैं वो डोमिनेट करती थी यहाँ की सोशल लाइफ को। तो जेम्स मिल की जो स्टडी है उसका मेन फोकस इन चीजों पे रहा कि इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस है, इंडिया में कास्ट टैबूज हैं, सुपरस्टिशंस को प्रैक्टिस किया जाता है, अंधविश्वास बहुत ज्यादा है यहाँ की सोशल लाइफ में आम लोगों के बीच में। तो इन चीजों पर उसने फोकस किया और उसे ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया को सिविलाइज कर सकता है, सभ्य बना सकता है। अब मिल के हिसाब से इंडिया को सिविलाइज करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे यूरोपियन मैनर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यूरोपियन मैनर्स मतलब यूरोपियन जो हैं जिस तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके जो तौर तरीके हैं उन्हें इंडिया में लाना पड़ेगा, इंडिया के लोगों को बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ यूरोपियन जो आर्ट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, लॉज हैं, वो सभी भी इंडिया में लाने पड़ेंगे यहाँ के लोगों को सिविलाइज करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए। मिल ने यहाँ तक कि ये भी सजेस्ट कर दिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें इंडिया के सभी टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को इनलाइट किया जा सके और यहाँ के लोगों को हैप्पी किया जा सके, हैप्पीनेस दी जा सके। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। और जेम्स मिल के हिसाब से इंडिया जो है वो बिना ब्रिटिशर्स के कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता था। तो अब मिल को कौन बताए कि इंडिया को किसकी कोई ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं थी सभ्य होने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत पहले से ही सिविलाइज था। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी जो चीजें थी वो एग्जिस्ट करती थी आज से हजारों साल पहले। यहाँ पे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, यहाँ पे नालंदा था, यहाँ तक्षशिला था, जहाँ पे लोग जो है दूर दूर से दूसरे देशों से पढ़ने आते थे, ज्ञान लेने आते थे। यहाँ पे चाणक्य जैसे लोग थे, जहाँ पे आर्यभट्टा जैसे लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया और बहुत सारी चीजें सिखाई। तो इंडिया को जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स से तो कोई सिविलाइज जो है होने की जरूरत नहीं थी। इंडिया पहले से ही काफी सिविलाइज था, बल्कि यूं कहें ब्रिटिशर्स ही दो चार चीजें हमसे सीख लेते तो अच्छा रहता, राइट। बट कोई बात नहीं, जेम्स जो है वो बेचारा थोड़े अंधेरे में था, उसको इंडिया की पूरी हिस्ट्री के बारे में शायद नहीं पता था, राइट। तो इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो जिस तरीके से जेम्स मिल ने इंडिया के हिस्ट्री को बताया है उसके हिसाब से इंडिया में जो भी प्रोग्रेस, जो भी सिविलाइजेशन हुई है वो ब्रिटिशर्स ने करवाई है, ब्रिटिश रूल में हुई है। जो पीरियड ब्रिटिश रूल से पहले था वो मिल के हिसाब से अंधेरे वाला था, अंधकार वाला था, कि यहाँ के लोग जो है वो एक तरीके से अंधेरे में रह रहे थे। अंधेरा मतलब कि यहाँ के लोग कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, लोगों को कुछ भी नहीं पता था, कोई सिविलाइज नहीं थे, इस तरीके से जेम्स मिल को लगता है। बट कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या हम इस बात को आज मान सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें सिविलाइज किया? बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि हम ब्रिटिशर्स से कई ज्यादा पहले से सिविलाइज थे, ठीक है। बट अब चाहे कुछ भी हो, चाहे जेम्स मिल ने कुछ भी सोचा हो, उसे शायद भारत के इतिहास के बारे में प्रॉपर नहीं पता था, बट उसने क्या किया, उसने इंडिया के उसका हिस्ट्री है, पास्ट है, उसको उसके रूलर्स के रिलीजन के बेसिस पर बांट डाला। उसने पीरियडाइज किस बेसिस पे किया कि जो रूलर्स थे उनका रिलीजन क्या है, ठीक है। और ये जो डिवीजन है ये बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, अगर जो जेम्स मिल है उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ रूलर्स के धर्म को सबसे ज्यादा वैल्यू दी कि इंडिया में जो रूलर्स का धर्म था, रिलीजन था, उसके बेसिस पे उसने इंडिया की हिस्ट्री को बांट दिया। ऐसा करके जेम्स मिल क्या सजेस्ट कर रहा है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रूलर्स का धर्म जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और जो लोग थे, नॉर्मल लोग थे, उनकी जो लाइफ थी, आम जनता थी भारत की, उसका कोई मायने नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने सिर्फ रूलर्स के धर्म के बेसिस पर इंडिया की हिस्ट्री को बांट दिया। क्या इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रूलर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और क्या इंडिया की पूरी हिस्ट्री को सिर्फ रूलर का रिलीजन ही डिफाइन कर देगा? नहीं, क्योंकि इंडिया की अगर हिस्ट्री को आपको जानना है तो इंडिया के लोगों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ना कि किसी रूलर के धर्म के बेसिस पे आप चीजों को समझने की कोशिश करो। आप इंडिया के जो नॉर्मल आम जनता रहती थी, आप उनके बारे में पढ़ो, उनकी लाइफ को जानो, तब आपको हकीकत में पता चलेगा कि भाई इंडिया का पास्ट जो है वो क्या था। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एंशियंट इंडिया में जितने भी राजा महाराजा थे वो भी सेम फेथ को फॉलो नहीं करते थे। कि जेम्स मिल ने तो भाई फेथ के हिसाब से डिवाइड कर दिया इंडिया के हिस्ट्री को कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, बट इन सभी पीरियड्स में, हिंदू वाले पीरियड में भी एक साथ काफी सारी फेथ, फेथ मतलब आस्था जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग आस्थाओं को
मानते थे हिंदू वाले पीरियड में भी, मुस्लिम वाले पीरियड में भी लोग अलग अलग आस्थाओं को मानते थे, और ब्रिटिश वाले पीरियड में भी ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग आस्थाओं को मान रहे थे। और इस तरीके से फेथ के बेसिस पर डिवीजन करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदू वाला जो पीरियड है उसमें जो राजा थे, जो सिर्फ राजा थे अलग अलग तरीके के, भले ही वो हिंदू थे बट फिर भी उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। अलग अलग राजा जो थे वो अलग अलग आस्था को मानते थे, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वहां पे रहने वाले लोग थे वो भी सभी एक तरह के ही थे, सिर्फ हिंदू ही हिंदू थे। जब मुस्लिम ने रूल किया तो सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम इंडिया में रह रहे थे, जब ब्रिटिशर्स आए तो वो ब्रिटिशर्स ही ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे। तो ऐसा नहीं है, है ना, कि इंडिया के जो लोग थे उनकी लाइफ बिल्कुल ही अलग चल रही थी। तो आप इस तरीके से किसी राजा के धर्म के बेसिस पर इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तरीके से ये कहना होगा कि आप इंडिया के लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे हो। और जबकि अगर इंडिया की हिस्ट्री जाननी है, मेन हिस्ट्री, तो वो आपको इंडिया के लोगों की लाइफ से पता चलेगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें कि ये वाला जो सिस्टम है और धर्म के बेसिस पर इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करने वाला, ये पसंद नहीं आया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को अलग तरीके से डिवाइड किया, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न कह के डिवाइड किया, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री एंड तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं है, ये वाला जो सिस्टम था पीरियड को डिवाइड करने वाला ये बिल्कुल परफेक्ट था, इसमें भी कुछ कमियां थी। जैसे कि ये वाला जो एंशियंट मिडिवल एंड मॉडर्न वाला सिस्टम है, इसे वेस्ट से एडॉप्ट किया गया है, मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी हिस्ट्री को एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न कह के बांटती हैं। और इंडिया ने क्या किया, मतलब यहाँ के हिस्टोरियंस ने अब क्या किया, सेम वही चीज अपना ली कि ठीक है हमें वो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश वाला सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा, हम अब अपनी हिस्ट्री को एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न कह के बांटेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो वेस्ट था उसने अपने मॉडर्न जो पीरियड है उसको अलग तरीके से डिफाइन किया था। वेस्ट ने अपने हिस्ट्री के एक हिस्से को मॉडर्न कहा था, इसलिए क्योंकि वहां पे चारों तरफ से मॉडर्निटी आ रही थी। वेस्ट में साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये सभी चीजें जो है वो डेवलप कर रही थी, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो रही थी। वही मिडेवल जो टर्म है वो यूज की जाती है ऐसी सोसाइटी के लिए जहां पे मॉडर्न सोसाइटी जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। बट क्या ये सेम जो सिस्टम है एंशियंट मिडेवल एंड मॉडर्न वाला, वो हम एज इट इज इंडिया के लिए एडॉप्ट कर सकते हैं? तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जो ब्रिटिश इंडिया वाला पीरियड है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब हम हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न में बांट देते हैं, तब जो ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। आप अगर ब्रिटिश इंडिया को पढ़ोगे तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। अब दिक्कत ये है कि जब ब्रिटिश रूल था तब इंडिया में कोई लिबर्टी, कोई फ्रीडम, कोई इक्वालिटी नहीं थी, बट आप उसको मॉडर्न में गिन रहे हो। अब देखो, जो अमेरिकन थे, जो वेस्ट वाला देश है, वहां पे मॉडर्न मतलब क्या था, इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी। वही जो इंडिया में आप जिस पीरियड को मॉडर्न कह रहे हो उसके एक सिग्निफिकेंट हिस्से में, एक बहुत बड़ा ऐसा टाइम है ब्रिटिश रूल वाला जहां पे इनमें से कोई भी चीज नहीं थी, बट आप उस पीरियड को सेम बोल रहे हो, मॉडर्न बोल रहे हो। तो मतलब ये मॉडर्न कई मायनों में नहीं था, बट आप इसको मॉडर्न बुला रहे हो। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये वाला जो सिस्टम है डिवाइड करने का, ये भी पूरे सही तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भी कुछ अपनी कमियां हैं। अमेरिकन के लिए जो मॉडर्न की डेफिनेशन है वो अलग थी, वहां पे लोग जो है एकदम फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे उस टाइम तक, जो है लिबरल हो गए थे, इक्वालिटी काफी लोगों को मिल रही थी। बट जिस पीरियड को हम मॉडर्न कह रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो हमें इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इस ड्रॉबैक के कारण बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश इंडिया वाला टाइम है उसको कॉलोनियल पीरियड बुलाते हैं। कॉलोनियल मतलब कि जब कोई दूसरे लोग किसी एक पर्टिकुलर जगह को अपने अधीन कर लेते हैं, उस पे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे कलोनी बना लेते हैं अपनी। तो इसलिए बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ब्रिटिश इंडिया वाले जो हिस्ट्री का पार्ट है उतने पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, राइट। तो बेसिकली हम जो हिस्ट्री है वो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न करके पढ़ते हैं, बट कुछ लोग हैं वो इसको एंशियंट, मिडिवल, कॉलोनियल एंड मॉडर्न करके भी पढ़ते हैं, मतलब बीच में जो ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट है उसको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। सो बेसिकली जब भी हम किसी भी जगह के हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं, तो हमारा मेन एम पीरियडाइज करने का क्या होता है, कि हम उस समय में होने वाले मेन कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो दर्शा सकें। अब जब हमने एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न के हिसाब से जो है इसको बांटा, तो देखो इस वाले जो डिवीजन है इसमें अपनी कुछ कमियां हैं बट कुछ फायदे भी हैं, कुछ इसके अपने जो है पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम और जब ब्रिटिश के हिसाब से जेम्स मिल ने इंडिया के हिस्ट्री को बांटा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो रूलर के धर्म पे जा रहा था, बट जब हमने एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न के हिसाब से बांटा, तो अब हमारा जो पूरा फोकस है वो इंडिया के लोगों के पर शिफ्ट हो गया, कि
इंडिया के जो आम नागरिक थे वो किस तरीके से अपना जीवन चला रहे थे। तो मेन अगर तुम इंडिया की हिस्ट्री जाननी है तो इंडिया के आम लोगों के बारे में जानोगे ना, तो वही चीज यहाँ पे जो है वो प्लस पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं बात की जा रही है बल्कि आम नागरिकों के बारे में भी बात की जा रही है इस डिवीजन में। तो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। तो हम डिवाइड इसीलिए करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर टाइम में होने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस कर सकें, और जैसे ही चीजों में चेंज आने शुरू होगा वैसे ही एक नए पीरियड की शुरुआत हम कर देंगे। फिर हम उस पीरियड को दूसरे नाम से पुकारेंगे क्योंकि अब वो थोड़ा चेंज हो गया है, उसमें नए फीचर्स जो है वो उभर के आ चुके हैं। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से हिस्ट्री में पीरियडाइज करते हैं और क्यों करते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? तो हम लोग हमेशा अपने आसपास सुनते रहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्हें ब्रिटिशर्स ने या फिर दूसरे लोगों ने अपनी कॉलोनी बनाया था। तो भाई इस कॉलोनी का मतलब होता क्या है, क्या होता है कॉलोनियल, तो ये चीज हम इस सेक्शन में जानेंगे। और आप इस बुक में ये जानने वाले हो कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किस तरीके से इंडिया में आए और उन्होंने हमारी कंट्री पर कॉन्क्योर किया, राज किया, और अपना जो रूल है उसे स्टैब्लिश किया, यहाँ पे राज करना स्थापित किया, शुरू किया। किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ के जो लोकल नवाब थे, राजास थे, उनको सब्जुगेट किया। सब्जुगेट का मतलब होता है वश में करना, या यूं कहें किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में रहने वाले जो नवाब थे, राजा थे, उन्हें अपने कंट्रोल में किया। और सिर्फ नवाब और राजास पे ही कंट्रोल नहीं किया, किस तरीके से उन्होंने हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सभी चीजों पे कंट्रोल किया, ये सब जानेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया अपने सभी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, किस तरीके से वो उन गुड्स को सस्ते में खरीदते थे जो कि उन्हें चाहिए होते थे, मतलब कि जो भी गुड्स, जो सामान उन्हें चाहिए उन्हें वो सस्ते में खरीद लेते थे, और किस तरीके से वो हमारे यहाँ के फार्मर्स को फोर्स करते थे वही फसल उगाने के लिए जो कि उन्हें चाहिए होती थी, ब्रिटिशर्स को चाहिए होती थी अपने देश में, मतलब ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ के फार्मर्स पे बहुत ही जुल्म करते थे, उन्हें फोर्स करते थे, जबरदस्ती उनसे एक पर्टिकुलर तरह की फसल जो है वो उगवाते थे, और फिर जाके वो उस फसल को उनसे बहुत ही सस्ते दाम में खरीदते थे या फिर बहुत ही जो है प्रताड़नाएं हमारे यहाँ के फार्मर्स को देते थे, और फिर उनका जो प्रोड्यूस है, सामान है, उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ये सभी चीजें जो हैं वो ब्रिटिशर्स करते थे, और किस तरीके से करते थे ये आप देखोगे। फिर अल्टीमेटली हम जानेंगे कि इन सभी चीजों का क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, मतलब कि क्या अंजाम रहा इन सभी चीजों का, कि जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया, रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करने स्टार्ट किए, फार्मर्स को फोर्स किया फसल उगाने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने की, और उन सबका आखिर अंजाम क्या निकला, किस तरीके से लोगों को इन सबका सामना करना पड़ा। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इट्स वैल्यूज इन वैल्यूज एंड टेस्ट कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब कि देखो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक तरीके से हमारे जो देश है उस पर चारों तरफ से मतलब हर, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रही, मैं सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, मैं इन सब चीजों की बात कर रही हूँ कि हर तरीके से उन्होंने हम पे कब्जा कर ही लिया था। मतलब कि ब्रिटिशर्स आए वो अपने टेस्ट लाके आए कि जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, जब जेम्स मिल वाली बात पढ़ी थी, कि जेम्स मिल कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो तभी सिविलाइज हो सकते हैं जब यहाँ पे यूरोपियन मैनर्स को लाया जाए। तो यूरोपियंस ने क्या किया, ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने मैनर्स लाए, अपने तौर तरीके इंडियंस को उन्होंने दिखलाए, और एक तरीके से वो फोर्स भी करते थे कि हम उनके तरीके इस्तेमाल करें। और इस ब्रिटिश रूल की वजह से जो इंडियंस थे उनका टेस्ट चेंज हो गया, मतलब उनकी पसंद चेंज हो गई। पहले उन्हें अलग तरह की चीजें पसंद थी, बट धीरे धीरे करके उनको जो पसंद है वो चेंज होने लगी, उनके कस्टम्स, उनके प्रैक्टिसेस, वो सब चेंज होने लग गए, उनका तौर तरीका जो है रहने का, खाने का, पीने का, वो सभी चीजें जो है धीरे धीरे उन सभी पे असर पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश रूल का। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रेफर टू द प्रोसेस एज कॉलोनाइजेशन। जब किसी एक कंट्री पे कोई दूसरी कंट्री इसी तरीके से कब्जा कर लेती है और उसकी वजह से ये सभी चीजों में चेंज आता है, पॉलिटिकली चेंज आता है, इकोनॉमिकली चेंज आता है, सोशली, मतलब जैसे कि हम जिस तरीके से हमारी सोसाइटी बनी हुई है उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं, कल्चर में चेंज आता है, मतलब पूरा देश में जितने भी तरीके हो सकते हैं उन सभी तरीकों में चेंज आ जाता है, हर चीज में धीरे धीरे करके चेंज आने लगता है। क्यों? क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर देश किसी दूसरे देश पे कब्जा कर रहा है, तो जिस देश पे कब्जा किया जा रहा है ना उस देश में चेंजेस आएंगे किसके अकॉर्डिंग, जो कब्जा कर रहा है ना, जो जो ब्रिटिशर्स थे ये हम पे कब्जा करते हैं,
करे थे। तो इंडिया में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स जिस तरीके से रह रहे थे, जिस तरीके से खाते पीते थे, उन सभी का इन्फ्लुएंस जो है इंडियंस पे पड़ा, है ना। और इंडिया में इस तरीके से काफी सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल जो है चेंजेस हुए। तो ये जो प्रोसेस है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर इस तरीके से कब्जा कर लेती है, वहां की सभी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो हम उसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन। और जिस कंट्री को कब्जे में लिया जा रहा है उसे कहते हैं कॉलोनी। तो हम क्या हुए, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे उस टाइम, ठीक है। अब हमने बात की कि जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कॉलोनी बनाती है, तो उस कंट्री में, कॉलोनी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। बट ये जो चेंजेस हैं, वो सभी तरह की जो क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, वो एक ही समान रूप से एक्सपीरियंस नहीं करती। मतलब क्या है इसका, मतलब हमारे देश में इतने सारी स्टेट्स हैं, इतने तरह के लोग हैं, तो सभी लोगों पे, सभी जगहों पे समान रूप से फर्क नहीं पड़ा था ब्रिटिशर्स का। किसी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए थे, किसी में थोड़े कम चेंजेस आए थे, ठीक है। तो मतलब सभी लोगों पर, सभी क्लासेस पर, सभी ग्रुप्स पर, सभी जो एरियाज हैं इंडिया में, उन सभी में समान रूप से चेंजेस नहीं आ रहे थे। चेंजेस तो आ रहे थे, बट अलग अलग लेवल, किसी में कुछ ज्यादा आ रहा था, किसी में कुछ कम आ रहा था, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि देखो, सेम चीज का जो प्रभाव है, ब्रिटिशर्स का जो रूल था हमारे ऊपर, उसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हम हिस्ट्री में क्या कहते हैं, अपनी बुक का नाम हमने क्या रखा है, आर पास्ट। हम यहाँ पे प्लूरल यूज करते हैं, लास्ट में एस लगाते हैं। कहने को तो हम आर पास्ट भी कह सकते थे ना, बट उसका मतलब क्या होता कि हम सभी का पास्ट एक जैसा है। बट क्योंकि हमने कहा पास्ट, मतलब इसके पीछे एस लगाया है, प्लूरल में यूज किया है, इसका मतलब हम सभी का पास्ट एक जैसा नहीं है, सभी का पास्ट अलग अलग है, ठीक है। आपका पास्ट अलग होगा, आपके फ्रेंड का पास्ट अलग होगा, राइट। मतलब कि जो एक स्टेट में, पर्टिकुलर में रह रहे हैं, पंजाब में रहने वालों का जो पास्ट है वो थोड़ा अलग होगा, वहीं साउथ में रहने वाले जो लोग हैं उनका पास्ट थोड़ा अलग होगा। हालांकि हम सब कनेक्टेड हैं, बट फिर भी हम पे जो इन चीजों का अफेक्ट है वो अलग अलग हुआ। देखो सेम वही अगेन मैं कह रही हूँ कि जो रूल था ब्रिटिशर्स का हो रहा था, इवेंट एक ही हो रहा है कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं, बट उस रूल का सब पे अलग अलग तरीके से असर पड़ रहा है। तो सब पे एक जैसा असर नहीं पड़ रहा, मतलब सभी जो ग्रुप्स हैं उनका ब्रिटिश रूल के हिसाब से अगर हम देखें कि ब्रिटिश रूल में इस कम्युनिटी पे क्या असर पड़ रहा था, इस कम्युनिटी पे क्या असर पड़ रहा था, तो सभी के जो पास्ट हैं वो अलग अलग निकल के आएंगे। और इसीलिए हम प्लूरल में यूज करते हैं, क्योंकि हम सभी का जो पास्ट है वो एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी वो होता है जिसपे कोई दूसरी कंट्री पूरे तरीके से कब्जा कर लेती है और उसपे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस जो है वो आ जाते हैं। तो हम बेसिकली इस पूरे बुक में अब यही जानेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया। हाउ डू वी नो, तो हमें कैसे पता चलता है। अब आप पूछोगे कि किस बारे में कैसे पता चलता है, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस पूरे बुक में हम क्या जानने वाले हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में कैसे आए, कैसे उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया में इतने सारे चेंजेस लाए, ठीक है। और क्या कॉन्सिक्वेंस रहा, क्या अंजाम रहा, किस तरीके से हमारे जो इंडियंस थे उन्हें क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी ब्रिटिशर्स के वजह से, तो ये सभी चीजें हम जानेंगे। बट इन सभी चीजों के बारे में हमें पता कैसे चलेगा। आप बोलोगे कि हिस्टोरियंस बता देंगे, हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और उनकी बुक्स वगैरह पढ़ के, मतलब जो उन्होंने लिखा होगा उससे हम पढ़ के पता कर लेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या क्या किया इंडिया में, कैसे कैसे आए। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो हिस्टोरियंस थे उन्हें कैसे पता चला कि आज से 250 साल पहले जब ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे तब हुआ क्या था, हिस्टोरियंस को कैसे पता चला। तो आने वाले कुछ सेक्शंस में हम यही जानेंगे कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें किस तरीके से ब्रिटिशर्स के बारे में पता चलता है, वो किस तरीके से हमें ये बताते हैं कि आज से 250 साल पहले क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड्स, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जो प्रशासन रहता है, वो रिकॉर्ड्स बनाता है। अब कैसे रिकॉर्ड्स बनाता है, क्यों रिकॉर्ड्स बनाता है, तो देखो, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। पहला इंपॉर्टेंट सोर्स किस चीज का इंपॉर्टेंट सोर्स, ये पता करने का कि आज से 250 साल पहले क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स आए थे उनके बारे में जानने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो प्रशासन रहता था वो पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाता था, चीजों को रिकॉर्ड करता था, और उन रिकॉर्ड से आज हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या होता था। जो ब्रिटिशर्स थे वो बिलीव करते हैं इन द राइटिंग, मतलब कि उनके लिए चीजों को लिखना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये मानते थे कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको तुम लिख लो, ठीक
ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शन प्लान पॉलिसी डिसीजन एग्रीमेंट इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। मतलब कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई भी प्लान जो है वो बनाया जा रहा है, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, या फिर किन्हीं लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है किसी चीज़ के खिलाफ, तो इन सभी चीज़ों को लिखना ज़रूरी था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो एक बार आपने सभी चीज़ों को रिटन में रख लिया, उनका रिटन रिकॉर्ड बना लिया, तब इन चीज़ों को आप कभी भी जो है स्टडी कर सकते हो और उन पर डिबेट कर सकते हो। डिबेट मतलब कि क्या, कि अगर कहीं पे डाउट हो रहा है कि भाई तुमने ये ऑर्डर दिया था, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो जो सामने वाला इंसान है वो रिकॉर्ड दिखा सकता है कि मैंने ये ऑर्डर दिया था, मैंने ये किया है ना। जैसे कि आप क्या करते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो बट उसके साथ साथ आप कॉपी भी बनाते हो, आप सब चीज़ें जो है नोट करते हो, नोट्स बनाते हो, और वो किस लिए बनाते हो, ताकि जब टेस्ट वगैरह आएंगे तो आपको पूरी बुक्स जो है वापस से पढ़नी ना पड़े, क्योंकि और टीचर भी वापस से नहीं पढ़ाएगा, तो आप अपने नोट्स को देख सको। इसी तरीके से अगर हम सभी पॉलिसीज को इंस्ट्रक्शंस को रिटन में कर देते हैं तो जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो उन पे उनको देखा जा सकता है, उनको स्टडी किया जा सकता है। और अगर किसी के बीच में झगड़ा हो जाता है, कोई डाउट आ जाता है कि भाई तुमने उस टाइम पे क्या किया था, क्या कहा था, तो एक प्रूफ के तौर पे भी ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्व कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स का ये जो मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से क्या हुआ, एक कल्चर पैदा हुआ मेमोज का, नोटिंग्स का एंड रिपोर्ट्स का। मेमोज मतलब कि जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है ना, तो वो मेमोज के थ्रू की जाती है। तो एक ऑफिशियल जो है वो दूसरे ऑफिशियल को इन्फॉर्मेशन भेजता है मेमोज के थ्रू। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, और उसमें क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को रिटन लिखा जाता है। एक पर्सन जो है वो रिटन में लिख के देता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, मुझे ये करना है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जो ऑर्डर्स एक तरीके से जो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड होती है वो रिटन में होती है। नोटिंग्स मतलब वही कि इंपॉर्टेंट चीज़ों का नोट करना, और रिपोर्ट मतलब कि आप उस पर रिपोर्ट बनाते हो, आपने क्या किया, कैसे किया, इस तरीके से रिपोर्ट्स बनाते हैं ना। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो डेवलप हो गया ब्रिटिशर्स की इस इंपॉर्टेंस की वजह से, कि जो ब्रिटिशर्स हैं रिटन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस वजह से पूरा जो कल्चर था वो मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्टिंग वाला बन गया। अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये भी मानते थे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उन्हें केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब उन्हें संजो के रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, ताकि वो खराब ना हो फ्यूचर में जाके, और जब भी जरूरत पड़े आप देख सकते हो, है ना। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब जो भी उनका जहाँ पे भी काम वगैरह होता था, ऑफिशियल वर्क होता था, उनके साथ उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स जो हैं सेटअप कर दिए। अब इन रिकॉर्ड रूम्स में क्या होगा, जितने भी उस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उस रिकॉर्ड रूम में सेव कर दिए जाएंगे, प्रिजर्व करके रख दिए जाएंगे। जितनी भी फाइलें होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो इस रिकॉर्ड रूम में अच्छे से संभाल के रख दिए जाएंगे, ताकि कभी भी उनकी जरूरत पड़े तो आप देख सकते हो। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरिएट्स, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। तो जितने भी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे अलग अलग, जिनके आपको यहाँ पे नाम दिए हैं, मतलब जहाँ पे भी गवर्नमेंट का इस तरीके से ऑफिशियल काम चलता था, उन ऑफिसेस के साथ जो रिकॉर्ड रूम्स हैं वो अटैच कर दिए गए, ताकि वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स में सेव कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रहते थे उनको प्रिजर्व करने के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होते हैं, ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आप पुराने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सेव करते हो, मतलब कि एक तरीके से एक ऐसा रूम मान लो, एक ऐसी जगह मान लो, जहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिजर्व मिलेंगे, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आर्काइव्स में रख दिए जाते हैं प्रिजर्व करके। और म्यूजियम्स, म्यूजियम भी सेम ऐसे ही होते हैं जिनमें कि पुरानी चीज़ें आपको दिखती हैं, वहाँ पे सेव रखी रहती हैं प्रिजर्व होके, और आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस थे ये बनाए गए ताकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। मतलब कि अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम में, मतलब जब 1800 जो है शुरू हुआ था, तो उसी टाइम के आसपास के जो मेमोज और लेटर्स एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भेजे जाते थे, मतलब कि एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर जब दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर कोई चीज़ भेज रहा है तो वो मेमोज एंड लेटर्स के थ्रू भेजता था। तो वो जो, मतलब आज से लगभग 200 साल पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोज एंड लेटर्स हैं, वो
आर्काइव्स में प्रिजर्व हैं, और उन आर्काइव्स में जाके हम उनको मतलब 200 साल पहले के जो रिकॉर्ड थे उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड, और जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स वगैरह जो नोट्स प्रिपेयर करते थे, जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते थे अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कि भाई उनके डिस्ट्रिक्ट में क्या काम चल रहा है, कितने लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, उसका पूरा जो वो रिपोर्ट्स बनाते थे वो भी आज हम जाके देख सकते हैं। और इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स दैट वर सेंड बाय द ऑफिशियल्स एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो मतलब कि क्या हो रहा है, जितने भी तरह के इंस्ट्रक्शंस रहते थे, जितने भी तरह के ऑर्डर्स वगैरह रहते थे, उनको प्रॉपर सेव करा जाता था, प्रिजर्व करके रख दिया जाता था रिकॉर्ड रूम्स में एंड आर्काइव्स में। और वो इस तरीके से प्रिजर्व हैं कि अगर हम आज भी देखें तो वो रिकॉर्ड्स को हम पढ़ सकते हैं निकाल के। सो अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें बहुत ही ध्यान से कॉपी किया जाता था, मतलब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं और जिनको लोग आगे तक, जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि इन्हें फ्यूचर तक जो है सेव किया जा सके, तो उसके लिए क्या किया जाता था, उनको कॉपी किया जाता था। तो जो कैलीग्राफिस्ट होते हैं वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते थे। और कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सुंदर राइटिंग लिखने में माहिर होते हैं, तो ये लोग अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कॉपी करते थे। अब मिडिल 19th सेंचुरी के टाइम तक क्या हुआ, मतलब कि जब 1850 के लगभग क्या हुआ, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड होने लग गई, कि चीजों को प्रिंट करना बहुत ही चलन में आ गया। और इस वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे अब कैलीग्राफिस्ट को मतलब कॉपी करने के बजाय वो क्या कहते थे कि जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसे प्रॉपर प्रिंट कर लो। तो पहले जो कैलीग्राफिस्ट थे वो पूरा हाथ से सब चीजों को कॉपी करते थे, बट प्रिंटिंग के आने के साथ क्या हुआ, उन चीजों को हाथ से कॉपी करने के बजाय प्रॉपर प्रिंटिंग करने लग गए, और इससे जो है और भी चीजें आसान हो गई। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो जल्दी से कॉपी हो जाते थे और एकदम एग्जैक्ट हो जाते थे, उनमें एरर होने का भी कोई डर नहीं रहता था। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है जो कि 1920s में बनी थी। जब नई दिल्ली बना था तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो नेशनल म्यूजियम है और जो नेशनल आर्काइव्स है, मतलब कि पूरे देश से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जिन इंस्टीट्यूशंस में सेव करके रखा जाता है, म्यूजियम और आर्काइव्स, इनको जो विसरेगल पैलेस है उसके पास रखा गया था, सिचुएट किया गया था। अब उनको विसरेगल पैलेस के पास क्यों सिचुएट किया गया था, ताकि अगर ये पैलेस के पास रहेंगे तो पैलेस में जो भी काम हो रहा है वो उन डॉक्यूमेंट्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि जो कोई भी अगर जरूरत है तो आसानी से जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लाया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो नेशनल आर्काइव्स एंड जो नेशनल म्यूजियम थे उन्हें विसरेगल पैलेस के पास लोकेट किया गया था। और इससे हम ये जान सकते हैं कि नेशनल म्यूजियम एंड आर्काइव्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दी जाती थी। तो देखो, रिपोर्ट्स टू दी होम डिपार्टमेंट, तो इसमें क्या हुआ, 1946 में जो कॉलोनी एंड गवर्नमेंट थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो इंडिया में क्या हो रहा था उस टाइम पे, जो रॉयल इंडियन नेवी है ना, उन्होंने एक तरीके से बगावत कर दी थी, कि मतलब जो इंडियंस नेवी में काम कर रहे थे वो जो इंडियन नेवी है उन लोगों ने इनकी बात मानने से इंकार कर दिया था। तो म्यूटिनी मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, इन 1946 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। तो वो कह रहे हैं कि इस टाइम में क्या हुआ, 1946 में जो रॉयल गवर्नमेंट थी, मतलब कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो एक म्यूटिनी को रोकने की कोशिश कर रही थी। म्यूटिनी मतलब कि जब सैनिक विद्रोह करने लग जाते हैं, बगावत करने लग जाते हैं, जब वो अपने ही जो कमांडर्स होते हैं उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। तो जो रॉयल इंडियन नेवी थी उसने ऐसा किया, वो लोग अपने ये जो कमांडर्स वगैरह थे, जो ब्रिटिश कमांडर्स होंगे, उनकी बात मानने से उन लोगों ने मना कर दिया, एक तरीके से बगावत छेड़ दी। और जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से इस बगावत को रोका जा सके। तो यहाँ पे एक सैंपल दिया हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग डॉकयार्ड से रिपोर्ट्स आ रही थी होम डिपार्टमेंट को, मतलब कि ये जो डॉकयार्ड्स हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट भेज रहे थे होम डिपार्टमेंट को कि उनके डॉकयार्ड में क्या क्या सीन है। तो जो बॉम्बे का डॉकयार्ड है वहाँ पे बोला जा रहा है कि अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर द शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। वो कह रहे हैं कि जो हमारी आर्मी है उसके लिए पूरे अरेंजमेंट कर दिए गए हैं, ताकि आर्मी इन शिप्स में, जिन शिप्स में जो इंडियन नेवी के जो लोग हैं वो बगावत कर रहे हैं, म्यूटिनी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ताकि पूरा कंट्रोल में किया जा सके उन शिप्स को और उन एस्टेब्लिशमेंट्स को, तो उसके लिए इंडियन आर्मी के लिए
जो अरेंजमेंट है वो कर दिए गए हैं। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर, और जो रॉयल नेवी की शिप्स हैं उनको हार्बर से बाहर ही रोक दिया जा रहा है। कराची वाले जो हैं वो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, वो कहते हैं कि 301 म्यूटिनियर्स जो हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, और कुछ जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हैं उन्हें अरेस्ट करना बाकी है, और जितने भी स्टैब्लिशमेंट हैं वो मिलिट्री गार्ड के अंदर हैं। तो ऐसा कराची वाले लिख के भेजते हैं। फिर विशाखापट्टनम, मतलब वैसे ये जो है विशाखापट्टनम की बात कर रहे हैं, द पोजिशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल, ये कह रहे हैं कि जो पोजिशन है वो यहाँ पे एकदम कंट्रोल में है, सब कुछ एकदम कंट्रोल में है, कोई भी वॉयलेंस जो है यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। मिलिट्री गार्ड जो हैं उन्हें शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में प्लेस कर दिया गया है, मतलब कि जो मिलिट्री गार्ड हैं उन्होंने शिप्स में और एस्टेब्लिशमेंट में अपना अपना कब्जा कर लिया है, ताकि कोई भी जो नेवी के लोग हैं वो बगावत और ना करें, और नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। तो वो कह रहे हैं कि वैसे अभी तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई आगे दिक्कत होगी, बट हाँ हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो काम करने से मना कर दे। तो आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जो डॉकयार्ड्स थे, बॉम्बे डॉकयार्ड हो गया, कराची का हो गया, विशाखापट्टनम का हो गया, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी होम डिपार्टमेंट को, और उन्होंने अपने वहां का जो सीन चल रहा था, क्या वहां पे सिचुएशन थी, उसको बताया। तो इस रिकॉर्ड से हमें इस तरीके से पता चला कि उस टाइम पे किस तरीके से जो इंडियन नेवी के लोग थे वो किस तरीके से बगावत करते थे, और किस तरीके से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जाती थी, है ना। तो हमें मतलब कि जो रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए, जो कि आज तक भी प्रिजर्व हैं, उनसे हमें काफी कुछ पता चलता है। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को वो स्टडी करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा, ठीक है। तो एक जो तरीका था आज से 250 साल पहले की बात जानने का, ब्रिटिशर्स के रूल के बारे में जानने का, वो ये था कि हम उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हुए जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको पढ़ सकते हैं। सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कि हमें किस तरीके से पता चलता है कि आज से 250 साल पहले, मतलब कि ब्रिटिशर्स के रूल में इंडिया में क्या हुआ था। तो पहला जो तरीका हमने पढ़ा था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हर चीज को रिटन में रखने में विश्वास करते थे, उसका रिकॉर्ड बनाने में विश्वास करते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, तो उस सभी चीज को वो लोग रिटन में प्रिजर्व करते थे, उसका रिकॉर्ड बना लेते थे, और उसके लिए उन्होंने काफी सारे जो है आर्काइव्स बनवाए, म्यूजियम्स बनवाए, रिकॉर्ड रूम्स बनवाए, ताकि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसे प्रिजर्व करके रखा जा सके, ताकि फ्यूचर में अगर किसी को जरूरत हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को वो रेफर कर सके। अब जो दूसरा तरीका है जिससे कि हमारे हिस्टोरियंस को ये पता चलता है कि आज से 250 साल पहले क्या हुआ था, वो है सर्वेज। द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर का जो रूल चल रहा था इंडिया पे, उन लोगों के टाइम में सर्वे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, कॉमन बन गया। सर्वे मतलब क्या है, एक तरीके से किसी चीज की स्टडी करना, उसको एग्जामिन करना। तो ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि अगर किसी कंट्री पे इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करना है, अगर इफेक्टिवली किसी कंट्री को रूल करना है, उस पर राज करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उस कंट्री को पहले अच्छे से जान लो। और जानेंगे कैसे, वो होगा सर्वे से, कि जब कंट्री में अलग अलग तरीके से सर्वे किए जाएंगे, उस कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, किस तरीके का वो काम कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें जब वो स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तभी वो जाके उस कंट्री को अच्छे से जान पाएंगे और उसे अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। तो अर्ली 19th सेंचुरी मतलब लगभग 1800 के टाइम में क्या हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा सर्वे करवा रहे थे, वो भी बहुत डिटेल में करवा रहे थे, छोटी छोटी चीजों का, कि कहाँ पे कौन सा गांव है, एक जो स्टेट है उसमें कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, तो मतलब हर चीज को ध्यान से देखा जा रहा था, ताकि पूरी कंट्री का मैप जो है वो तैयार किया जा सके। और विलेजेस में क्या हो रहा था, रेवेन्यू सर्वेज कंडक्ट कराए जा रहे थे। रेवेन्यू सर्वेज क्या होते हैं, इनमें इस सर्वे में ये देखा जाता है कि किसी जमीन को कौन ओन करता है, कितनी जमीन किस पर्सन के पास है, क्या क्या उस जमीन पे उस पर्सन के राइट हैं, तो ये सभी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं, ताकि उस हिसाब से जो लैंड रेवेन्यू है वो उस पर्सन से कलेक्ट किया जा सके। तो जो रेवेन्यू सर्वेज हैं वो कंडक्ट होते थे। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, मतलब सर्वेज में ये चीज भी देखी जाती थी कि किसी जगह पे क्या टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मतलब कि वहां के ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, वहां पे पहाड़ है, वहां पे प्लेन्स हैं, वहां पे प्लेट्यू है, मतलब जमीन जो है वो किस तरीके की है, ये चीजें देखी जाती थी। वहां की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, सॉइल जो है वो फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, एरिड है, एल्यूवियल है, किस तरह की सॉइल है वहां की, वहां का फ्लोरा फाउना कैसा है, मतलब कि वहां के जो जानवर हैं वो किस तरीके के हैं, पेड़ पौधे किस तरीके के पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह में,
उस जगह की हिस्ट्री कैसी है, मतलब कि जो भी जगह का सर्वे हो रहा है वहां पे पहले क्या जो है चीजें रहा करती थी, तो उसका पास्ट जो है वो भी जाना जाता है। वहां का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, किस तरीके की फसलें वहां उगाई जा रही हैं, किस किस सीजन में वहां पे उगाई जा रही हैं, तो इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखा जाता था। इन सभी चीजों का एग्जामिन किया जाता था, उनको स्टडी किया जाता था, मतलब छोटी से छोटी जगह के लिए ये चीजें जो है वो नोट करी जाती थी, और इन सभी चीजों को नेसेसरी मतलब कि जरूरी माना जाता था एडमिनिस्टर करने के लिए उस रीजन को, कि अगर आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी गांव को, किसी भी सिटी को एडमिनिस्टर करना है, उसको चलाना है अच्छे से, तो ये सभी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इतने सारे सर्वे कराए। 19th सेंचुरी की एंड से हमारे देश में जो सेंसस है वो भी होने लगा। तो सेंसस क्या होता है, सेंसस का मतलब होता है जनगणना। इसमें जितने भी लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनका काउंट किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है, मतलब कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने उस पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं, ये देखा जाता है। तो हर एक 10 साल में ये सेंसस जो है वो बनाया जाने लग गया। और सबसे फर्स्ट जो सेंसस इंडिया में हुआ था वो 1872 में हुआ था, जो कि नॉन सिंक्रोनस था, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो सेंसस है वो हुआ था, मतलब कि एक जैसे वेस्ट बंगाल में अलग सेंसस हुआ, दूसरे में अलग सेंसस हुआ, तो इस तरीके से जो सेंसस है वो 1872 में हुआ था। बट अभी जो सेंसस है जो 2021 में होने वाला था वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, और उसके लिए अभी प्रोसेस चल रहा है जो कि लगभग 2024-25 तक पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो सेंसस के बारे में आपको जान के रखना है, इससे आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। दीज प्रिपेयर डिटेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो ये जो पूरे सर्वेस थे इनसे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, वो किन कंडीशंस में रह रहे हैं, इंडिया में जो अलग अलग जगहें हैं उनका क्या फ्लोरा एंड फाउना का जो वेराइटी है, टाइप्स है, वो कैसी है, वहां पे किस तरीके की खेती होती है, तो ये सभी चीजें जो हैं वो नोट करी जाती हैं। और उससे अगर हम आज पढ़ें तो हमें काफी कुछ जो है वो आज से पहले का मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का पता चल सकता है। तो ये सभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो उनके आर्काइव्स में जो है सेव है आज तक, तभी जो हिस्टोरियंस है वो इन सब चीजों को पढ़ के हमें आज बता पा रहे हैं कि क्या हुआ उस टाइम पे इंडिया में। अब इन सर्वेज में और भी काफी सारी चीजें जो हैं वो जानी जाती थी, चेक की जाती थी, कि मतलब कि किस तरीके के कास्ट के लोग उस टाइम पे रह रहे हैं, क्या क्या रिलीजन के लोग रह रहे हैं, क्या उनकी ऑक्यूपेशन है, मतलब वो क्या क्या काम करते हैं, तो ये सभी चीजें जो है उनको नोट किया जा रहा था। देयर वर मेनी अदर सर्वेज, और भी अलग अलग तरीके के सर्वे होते थे, जैसे कि बोटानिकल सर्वे, बोटानिकल मतलब कि पेड़ पौधों से रिलेटेड जो सर्वेज होते हैं, जूलॉजिकल मतलब जानवरों से रिलेटेड सर्वे की कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन जो है वो जानवरों की रह रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज मतलब कि जंगलों का सर्वे, कहाँ कहाँ पे किस किस सिटी में, स्टेट में जो है वो जंगल है, कितने ज्यादा जंगल है, तो इस तरीके से अलग अलग सर्वेज जो है वो ब्रिटिशर्स करवा रहे थे। और उनका मेन एम यही था कि वो इंडिया को और अच्छे से जान पाए, ताकि वो उस पर अच्छे से रूल कर पाए, यहाँ के लोगों को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। और उन्होंने ये सभी जो सर्वेज हैं उनको रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड रूम्स में सेव किया, आर्काइव्स में, म्यूजियम्स में सेव किया, और उन्हें आज हम एक्सेस करके पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, सो इन द लास्ट टू वीडियोस वी डिस्कस दैट हाउ वी गेट टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उस हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चलता है, हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चलता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें हर चीज का रिकॉर्ड जो रखना है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है लगता था, और वो कोशिश करते थे कि हर चीज को, हर ऑर्डर को, हर डिसीजन को, हर पॉलिसी को वो लोग रिकॉर्ड में, रिटन रिकॉर्ड में रख सकें, और उनको वो अपने रिकॉर्ड रूम्स, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स में सेव कर लेते थे, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर में जो लोग रहेंगे वो उनके बारे में जान सके। ठीक है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो सर्वेज हैं उनकी मदद से भी हमें काफी कुछ उस टाइम के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये मानते थे कि अगर किसी देश में रूल करना है, उसे अच्छे से एडमिनिस्टर करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उस देश के जो जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छे से जान लेना चाहिए, उस देश के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके तुम उसे अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाओगे। तो ऐसा ब्रिटिशर्स सोचते थे, और इसीलिए उन्होंने सर्वेज जो है बहुत ही डिटेल्ड सर्वेज, छोटी छोटी चीजों का जो उन्होंने सर्वे किया और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सेव किया। और इसी तरीके से हमारे देश में सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में, राइट। अब हम बात करेंगे इस सेक्शन में कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें इन रिकॉर्ड से नहीं पता चलती, कि ये जो ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स हैं क्या हमें इनसे सब कुछ पता चल जाता है कि उस टाइम पे जो इंडियंस रह रहे थे, उस टाइम पे जो सिचुएशन थी इंडियंस की, क्या वो हमें पूरे तरीके से पता चलती है, क्या हर तबके के बारे में, हर सोसाइटी के बारे में हमें पता चल पाता है इन रिकॉर्ड से।
तो ये जो चीज है वो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। ये इतने सारे जो रिकॉर्ड्स हैं इनसे हमें बहुत कुछ जानने के लिए मिल सकता है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। बट हमें एक चीज जो है वो ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, वो ये कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो ऑफिसर्स रहते थे, वो क्या सोचते थे, वो किन चीजों में इंटरेस्टेड थे और क्या चीजें वो ऐसा चाहते थे कि वो प्रिजर्व करके रखें ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको देख सकें। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस। तो देखो इसमें क्या बोला है कि जो ये ऑफिशियल्स के रिकॉर्ड हैं इनसे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो क्या सोचते थे, वो किन कामों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो उसके बारे में हमें ज्यादा पता चलता है। हमें ये नहीं पता चलता इससे कि जो कंट्री में दूसरे लोग थे ऑफिशियल्स के अलावा, जो आम नागरिक थे, उनकी लाइफ किस तरह की होती थी, उसके बारे में हमें इन रिकॉर्ड से नहीं पता चलता। और अगर हमें आम नागरिकों के बारे में, आम भारतीय के बारे में जानना है उस टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो हमें उसके लिए इन रिकॉर्ड्स को ना देखकर कुछ और चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जिससे कि हम अपने भारतीयों के बारे में जान पाए। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो कि जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ना, ये ऑफिसर्स वाले ही हैं कि उन्होंने क्या जो है एक दूसरे के बीच में डॉक्यूमेंट शेयर किए, क्या उन्होंने एक दूसरे को ऑर्डर्स पास किए, क्या उन्होंने डिसीजंस लिए थे। तो ये जो चीजें हैं वो हमें इन रिकॉर्ड से पता चलती हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे देश के किसी छोटे से गांव में रहने वाले किसी छोटे से तबके में क्या चल रहा था उस टाइम पे, वो क्या चीजें झेल रहा था, हमें ये नहीं पता चलता। और ये जो रिकॉर्ड्स थे ये ब्रिटिशर्स ने उन्हीं चीजों के रिकॉर्ड रखे होंगे ना कि जो उन्हें लगता था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आगे वाली पीढ़ियों में चल के उन्हें अच्छा दिखाएं एक तरीके से, यूं भी कह सकते हैं हम कि बहुत ही हो सकता है सिलेक्टिव तरीके से इन लोगों ने अपने रिकॉर्ड्स को सेव किया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इससे हमें आम जनता के बारे में नहीं पता चलता और उसके बारे में जानने के लिए हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा। सो वी बिगिन व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड देम इन प्लेंटी। तो जब हिस्टोरियंस ने इन दूसरे सोर्सेज को ढूंढना शुरू किया, कौन से सोर्सेज जिनसे कि आम भारतीयों के बारे में जाना जा सके ब्रिटिश रूल के टाइम पे, तो जब हिस्टोरियंस ने खोज की इन सोर्सेज की तो उन्हें काफी सारे सोर्सेज जो है वो मिले जिससे कि दूसरे ऑफिशियल्स के अलावा जो लोग थे उनके बारे में जाना जा सकता है। भले ही ये जो सोर्सेस थे वो ढूंढने में थोड़े डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट थे, कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो तो बड़ी ही आसानी से रिकॉर्ड रूम्स में मिल जाते हैं, कि आर्काइव्स में जो है आज से 250 साल पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। बट जब हम आम जनता के बारे में ढूंढने जाते हैं, उनके बारे में पता करने के लिए सोर्सेज ढूंढते हैं, तो वो जो सोर्सेज हैं वो ढूंढने में बड़े ही डिफिकल्ट होते हैं। तो किस किस तरीके के दूसरे सोर्सेज मिले जिससे कि आम लोगों के बारे में पता चल सकता है, तो वो है डायरीज ऑफ पीपल। तो लोग जो है वो अपनी डायरीज लिखते हैं, उनमें उनके दिन किस तरीके से जा रहे हैं, बीत रहे हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में घटित हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं उनको उसको अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं। इसे जर्नल कहते हैं, है ना, कि लोग क्या करते हैं कि जो भी उनके दिन में हो रहा है या 2-3 दिन में उनके हफ्ते में जो भी हो रहा है वो एक डायरी में नोट करते जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, तो अपने थॉट्स जो है वो अपनी डायरी में नोट करते हैं। तो इस तरीके से हमें लोगों की डायरी मिली। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री वगैरह होते थे उनके अकाउंट्स मिले हैं कि वो किसी जगह पे गए, उन्होंने क्या चीज़ें महसूस की, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी। ट्रैवलर्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उनके अकाउंट्स मिले। अकाउंट्स मतलब उनके एक तरीके से उनकी राइटिंग्स मिली कि उन्होंने कोई चीज़ का जो है वर्णन किया हुआ था अपने यात्रा के दौरान। ऑटोबायोग्राफीज मिली हैं हमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की, और पॉपुलर बुकलेट्स मिले हैं जो कि उनके लोकल बाजार्स में बेची जाती थी उस टाइम पे। और जैसे जैसे प्रिंटिंग स्प्रेड हुई वैसे वैसे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो भी पब्लिश होने स्टार्ट हो गए, और इससे क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स में जो आम लोगों के बीच में इश्यूज रहते थे उनको पब्लिक में लाया गया, उनके ऊपर चर्चा की जाती थी पब्लिक में कि देश में क्या हो रहा है, लोग क्या झेल रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। इस तरीके से न्यूज़पेपर्स की मदद से आम लोगों के जो इश्यूज हैं वो जनता के बीच में आते थे। जो लीडर्स रहते थे, रिफॉर्मर्स रहते थे, वो अपने आइडियाज को अपनी पोएट्स, अपने पोएम्स के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो आम जनता तक पहुंचाते थे। ठीक है, मतलब बड़े बड़े लीडर्स जो रहते थे वो क्या करते थे, अपनी जैसे आर्टिकल्स वगैरह लिख दिए, न्यूज़पेपर में कोई कॉलम लिख दिया, तो उससे क्या होगा, जब आम आदमी उसे पढ़ेगा तो वो उन आइडियाज के बारे में जान पाएगा। इसी तरीके से पोएट्स जो है अपनी पोएम्स के थ्रू लोगों के बीच में अपने आइडियाज पहुंचाते थे। नोवलिस्ट जो थे वो अपनी नोवल लिख के लोगों के बीच में किसी मुद्दे को जिक्र करते थे उसका।
तो इस तरीके से इन नोवेल्स वगैरह में, इन पोएम्स में हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो किस तरीके से फील करते थे, क्या उनकी जो है सिचुएशन उस टाइम पे थी। बट इस चीज में भी एक दिक्कत है, मतलब कि हमें ये जितने भी रिकॉर्ड्स मिले, डायरीज मिली, अकाउंट्स मिले पिलग्रिम्स के, ट्रैवलर्स के, हमें नोवलेट्स वगैरह के, नोवलिस्ट के, पोएट के, उनके जो है बुक्स और पोएम्स ये सब मिली। बट इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि ये सभी जो हमें सोर्सेज मिले ये सभी लिटरेट्स के हैं। लिटरेट्स मतलब ऐसे लोग जो कि पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, आप कोई बुक लिखेगा तो वो पढ़ा लिखा ही तो होगा। अगर कोई डायरी लिख रहा है इसका मतलब वो पढ़ा लिखा है। न्यूज़पेपर अगर कोई पढ़ रहा है तो मतलब वो पढ़ना जानता है। मतलब कि हमें जितने भी अभी तक सोर्सेज मिले आम नागरिक के बारे में जानने के लिए, वो जो थे सोर्सेज वह सिर्फ लिटरेट्स से रिलेटेड थे। वो ऐसे सोर्सेज थे जो कि किसी लिटरेट आदमी ने लिखे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमें सिर्फ उन लोगों के बारे में ही पता चल पाएगा जो लिटरेट्स हैं। जो इलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से सोसाइटी में पीछे रह रहे हैं, उनके बारे में हमें इतनी आसानी से नहीं पता चल सकता। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस एंड लिव बाई दी ट्राइबल्स एंड पेजेंट्स। जो ट्राइबल लोग रहते थे, जो पेजेंट्स रहते थे, जो फार्मर रहते हैं, जो किसान रहते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना इतने अच्छे से नहीं आता, वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहे थे उस टाइम पे। जो माइंस में वर्कर्स काम कर रहे थे, जो गलियों में गरीब लोग रह रहे थे, उन सबकी लाइफ में क्या चल रहा था ये हमें नहीं पता चल सकता। मतलब उसको जानने के लिए बहुत ही मुश्किल से हमें कोई सोर्स मिल पाएगा। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। तो ऐसे लोगों के बारे में जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि कोई अपना अकाउंट नहीं लिखते थे, कोई डायरी नहीं बनाते थे, ऐसे लोगों के बारे में जानना जो है थोड़ा मुश्किल है। बट इसको भी किया जा सकता है। बट थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों के बारे में भी जानने के लिए। और इस बुक में आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके कि किस तरीके से ऑफिशियल्स जो हैं वो क्या सोचते थे, उनके रिकॉर्ड के बारे में भी आपको इस बुक में पता चलेगा। जो लिटरेट लोग थे उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। और थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे लोगों के बारे में पता चलेगा जिनके हमारे पास रिटन अकाउंट्स इस तरीके से नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जो है वो हमें हमने पता लगाया है। और क्या पता लगाया है वो आपको बुक में ही पता चलेगा, ठीक है, अगले जब चैप्टर्स पढ़ेंगे। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अन अपडेट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय।